श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंक्ति, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुर्गेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि। ओम जलेन सिद्धलिंगम। हरि ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, मस्ती लाई, मस्ती लाई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई, होली आई,
होली आई होली आई होली आई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा राधा सारा राधा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा राधा सारा राधा 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 सारा 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 राधा। होली आई 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 होली आई। रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा राधा बोलो सारा राधा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा राधा सारा राधा राधा सारा 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 राधा। जय हो और संग लेके नाचते, ढोलक मजीरा और संग लेके नाचते, सखियां और सारे ग्वाल नाचते। बोलो सारा राधा बोलो सारा राधा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा राधा होली आई 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 होली आई। जय हो पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, घर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, मुखड़े पे मल के गुलाल खेलते। बोलो सारा राधा बोलो सारा राधा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा राधा 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 सारा राधा। लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा राधा बोलो सारा राधा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा राधा होली आई 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 होली आई। जय हो जय हो बोल होली के रसिया की। राधा जी गुलाल माले श्याम जी के मुख पे, राधा जी गुलाल माले श्याम जी के मुख पे, सारे आज होली खेले लाल खेलते। बोलो सारा राधा बोलो सारा राधा मदन गोपाल खेलते। बोलो सारा राधा होली आई 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 होली आई। हरी है। चंद्रगांव का छोरा
बोलो सारा रारा मदन गोपाल फेरे पे बोलो सारा रारा होली आई 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 सभी भक्तों को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान आपके जीवन में ये खुशियों के रंग भर करके रखें। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण दूर दूर से आई हमारी माता बहन श्रोता गण भक्तगण संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण जय श्री कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। सभी लोग शांति से बैठिए और आनंद लीजिए कथा का। इस कथा की पावन गंगा में हम सभी डुबकियां लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा में परीक्षित बनकर श्री जयेश भाई मोती भाई पटेल जी कोमल बहन जयेश भाई यूएसए से नॉर्थ कैरोलिना से हैं। विनोद भाई पीयूष भाई राजेंद्र भाई सा परिवार गुजरात से। हिना शैलेश भाई पटेल सपना बहन भारतीय बहन रोहित भाई पटेल गीता बहन पटेल सारे परिवारी जन यहाँ आए हैं। एक बार श्री जयेश भाई मोती भाई पटेल जी मैया कोमल बहन जी के लिए सुंदर तालियां आप सब बजाएं और इनके स्वागत सम्मान के लिए क्योंकि ये अमेरिका की पावन धरती से यहाँ आए और प्रेम भरी कथा का रसपान कर रहे हैं। कल यहाँ एकादशी में होरी का पर्व मनाया जाएगा। कल पूरे वृंदावन का आप देखेंगे रंगीन वातावरण रहेगा। कल का पूरा गुलाल से सराबोर रहेगा पूरा वातावरण। कल एकादशी है यहां रंग भरी एकादशी। कल कौन सी एकादशी है तो कल की जो होरी है इस होरी के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और रंग भरी एकादशी के होली का खूब लोग लुत्फ उठाते हैं। जो यहां आए हैं सो यहां आनंद लेंगे, जो नहीं आए उनके लिए घर बैठे ही दर्शन होगा। YouTube पर टीवी पर आप कल की होरी का दर्शन करेंगे तो आप सभी तैयार रहिएगा होली के लिए।
भगवान की कृपा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। सभी लोग बैठ जाएं शांति से, और शांति से बैठकर कथा का, भैया आप सब खड़े ना रहें, मेरी माँ प्यार मेरा मेरी प्रार्थना है, बैठते चलिए, आप सब बैठ जाइए, मेरे नौजवान भाइयों दोस्तों, मेरी माँ, सब बैठ जाइए, खड़े ना रहिए। प्रिय भक्तों, बेटा वो ना बंडल पड़ा हुआ है वहां तार का, उसको खिसका के इस तरफ कर दो किनारे, वहां लोग बैठ जाएंगे, और लोगों को ना एक जन वहां रहो, इस तरफ भेजते रहो, भक्तों को इस तरफ भेजते रहो, ताकि सबको बैठने की जगह भी मिलती रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कल भगवान जी का हुआ जन्म, कल भगवान जी का क्या हुआ, बधाइयां हम सब ने लूटी, आप सबको नंद के लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये शुभ घड़ियां आती हैं, कहते हैं जो नंदोत्सव मनाता है उसके जीवन में नाना प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। भगवान की कृपा से हम सबको भागवत सुननी चाहिए, और उत्सव देखो भागवत में उत्सव होते हैं, हमारा देश उत्सव प्रधान देश, हमारे देश में सारे उत्सव होते हैं, हम सभी उत्सवी लोग हैं, उत्सव मतलब हम उत्साह से भरे हुए लोग हैं, हम डिप्रेशन वाले लोग नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं, हम चिंतन वाले लोग हैं। एक होती है चिंता, एक होता है चिंतन, तो चिंता हमें नीचे ले जाती है गर्त में, और चिंतन हमें ऊपर उठाता है, इसलिए भागवत सुनने वाला चिंता में कभी नहीं रह सकता, भागवत का प्रेमी तो सदा भगवान के चिंतन में रहता है, तो भागवत चिंता से मुक्त करके चिंतन की ओर हमें ले जाती है, और हम चिंतन भगवान के चिंतन में डूब जाते हैं। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, सारे लोग बधाई लूट रहे हैं, नंद बाबा पहाड़ बना बना के अन्य अनाज ऐसे बढ़ा, एक के ऊपर एक अनाज बोरे से बोरे भर के ना सिंगी लगाकर पहाड़ बनाकर अनाज का फिर दान करते हैं, गैया दान, भूमि दान, पहाड़ दान, सोना दान, चांदी दान, हीरा दान, सारा उत्सव की आनंद बाबा ने लुटाया है। अच्छा, नंद बाबा लुटाते हैं, नंद नंद जी के नाम में आखिरी में दा है नंद, और यशोदा माँ के नाम के भी आखिरी में है दा, यशोदा, तो ये जो दा शब्द है ये दान का प्रतीक है, तो नंद बाबा देते हैं, इसलिए भगवान स्वयं उनके घर प्रकट होकर के आए हैं, इसलिए जो देता है उसे भगवान सब कुछ देते हैं, जो नहीं देता उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए दो देना सीखिए। प्रकृति हमें क्या देती है, ये गुलाब भी हमें प्रकृति ने दिया, क्या लिया गुलाब के पेड़ ने आपसे बोलो, आपको गुलाब दिया कि नहीं, क्या लिया चमेली के पुष्प, चमेली के पेड़ ने आपसे चमेली का सुंदर खुशबू दी कि नहीं, क्या लिया नदियों ने आपसे पेट भर पानी दिया कि नहीं, क्या लिया खेत ने आपसे सुंदर सुंदर गेहूं चावल हर फसल दिया कि नहीं, तो प्रकृति दान देना सिखाती है। इस संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है, सृष्टि में सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़े दानी का नाम बताओ, आप बताओ सबसे बड़े दानी का नाम, सबसे बड़े दानी का नाम आप बताओ, आज तक की धरती में संसार में इतिहास में सबसे बड़ा दानी कौन, क्या नाम है दानी का, हाँ राजा बलि,
कर्ण और हरिश्चंद्र प्रकृति, सबसे बड़ा दानी कौन है? इस संसार में आज तक के ऑन रिकॉर्ड आप चेक करिएगा, सबसे बड़े दानी कौन? भगवान सबसे बड़े दानी हैं, और भगवान का ही नाम प्रकृति है। भगवान में कितने अक्षर हैं? भा गा वा आ, आ मात्रा लगी है, आ भा ग वा, वा में आ की मात्रा, आ ना, कितने हो गए? पांच हो गए। तो भा से भूमि, भाग गा से गगन, भाग वा से वायु, है ना, भाग वा आ से आ, आ की मात्रा, आ से अग्नि, ना से नीर, ये पंच तत्व, ये प्रकृति को ही भगवान कहते हैं। इन पांचों से मिलकर ईश्वर है, और इन भगवान से प्रकृति है। हम प्रकृति के पुजारी हैं, और प्रकृति हमें देना सिखाती है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देना चाहिए। इसलिए कहते हैं, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, सबको जो जरूरत है आप देने योग्य हैं तो दो। हम लोगों की एक मानसिकता थोड़ी गलत ये हो गई कि हम लोग जोड़ने लग गए। अच्छा, नदियों का, अच्छा नदी और समुद्र में क्या अंतर है? पानी को जोड़ता कौन है, नदी या समुद्र? कौन जोड़ता है? संग्रह कौन करता है पानी का? जोर से, क्या नदी पानी का संग्रह करती है? समुद्र संग्रह करता है, सारा नदियां मिलती हैं और वो पानी रखे रहता है। समुद्र पानी का संग्रह करता है, एक बूंद किसी को नहीं देता, इसलिए उसका पानी खारा है। और नदियां सबको देती हैं, सबको लुटाती हैं, इसलिए उनका पानी मीठा है। जो देना सीखेगा, जो देगा, उसके जीवन में मिठास होगी, उसका जीवन आनंद से भरा होगा, और जो नहीं देगा वो भले बड़ा हो पर होगा खारा। है, नदियों के पास पानी आया तुरंत वो दे देती हैं समुद्र को। नदियां देना सीखती हैं, सिखाती हैं, देते रहो। अच्छा, नदियां वर्षों से समुद्र को पानी दे रही हैं, क्या आज तक नदियों का पानी कम हुआ? माना कि कम तो हो ही गया, पहले की अपेक्षा कम है, लेकिन फिर भी बना हुआ है। अब तो प्रकृति को हम लोगों ने दूषित कर दिया, वो हम लोग जिम्मेदार हैं। नदियों को हमने प्रदूषित कर दिया, वो हम लोगों की गलती है। बाकी फिर भी आज के इस प्रदूषण में भी नदियां हम सबको पानी पिला रही हैं। हाँ या ना? तो देना सीखो। अब हम लोग देते हैं नहीं, बस जोड़ते हैं धन। ज्यादा जोड़ोगे तो खारे हो जाओगे। कबीर दास जी ने भी इस बात को कहा, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन पक्षी को छाया नहीं, मतलब किसी प्यासे को पानी नहीं, भूखे को रोटी नहीं, किसी को सहारा नहीं, है ना? आजकल माँ बाप को घर में बेटों के पास आसरा नहीं मिल रहा, सहारा नहीं मिल रहा। तो बड़े हैं तो फिर क्या मतलब? आप बहुत पैसे वाले हैं, आपका बहुत नाम है, पर आपके द्वारा किसी को सहारा नहीं मिल रहा है, तो ऐसे बड़े होने को क्या कह रहे हैं कबीर दा? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, खजूर तो सबसे बड़ा होता है, खजूर का पेड़, लेकिन किसी पक्षी को भी छाया उपलब्ध नहीं करा पाता। गर्मी आती है तो हम लोग पीपल की, नीम की छांव ढूंढते हैं, उसकी छांव में कौन, किसको छाया मिलेगी? तो ऐसे बड़े भगवान से कहो, प्रभु हम ऐसे बड़े ना बने। एक बार कुआ,
एक बार कुएं से नदी ने कहा, ए कुआ, कुआ जानते हैं ना कुएं, एक कुएं से नदी ने कहा, ए कुआ चल मैं तुझे बड़ा बनाती हूं, समुद्र से जोड़ती हूं। कुआ भाई साहब बोले, नदी बहन देख मुझे तो कुआ ही रहने दे, मैं समुद्र से जुड़ना नहीं चाहता। क्यों? अरे बहुत बड़ा है वो। ना ना, समुद्र बहुत बड़ा है बहन नदी, लेकिन वो किसी के काम नहीं आता, किसी की प्यास नहीं बुझाता। मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, हजारों के काम रोज आता हूं। आप बहुत बड़े हैं फर्क नहीं पड़ता, आप छोटे हैं पर समाज के काम आ रहे हैं तो आप छोटे अच्छे हैं, आप काम आ रहे हैं ना, इसलिए काम आइए, किसी की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, किसी की पीड़ा को सुनिए और समझिए। गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं अपनी पीड़ा लेकर आती हैं कि बेटे ने सताया, बहू ने सताया, इन माओं की पीड़ा इनके बच्चे ना समझ पाए। ये दास अनिरुद्ध समझ जाता है और उन माओं की पीड़ा को समझकर बस हम तो केवल किसी के आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं तो पहुंच लीजिए, हम किसी के आंखों के आंसू के कारण ना बने। हमारे द्वारा किसी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, बल्कि हम कोशिश ये करें कि हमारे कारण आंसू ना आए, बल्कि हम कारण बने किसी की आंखों के आंसू को पहुंचने का। हम कारण बने कि हम आपकी आंखों के आंसू पहुंच पाए। हम कारण बने कि हम किसी का सहारा बन पाए। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर वंदिर मत जाया करो, मां बाप की सेवा किया करो, दीन दुखी की सेवा किया करो, क्योंकि जैसे इंसान में ईश्वर दिखता है ना, उसी को पत्थर में भी भगवान दिख सकते हैं। जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, जो माता पिता में ईश्वर को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा बताओ, दिखेगा? मंदिर बाद में, पहले नरमय नारायण देखो, ये भाव रखो कि सी राम मैं सब जग जाने, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। रावण करता तो था पूजा, लेकिन उसे वनवासी के रूप में भगवान मिल गए, पर वो पहचान कहां पाया? कंस को मिल तो गए कृष्ण, पहचान कहां पाया? शिशुपाल को मिल तो गए कृष्ण, पहचान कहां पाया? गालियां देता था रोज। अच्छा बताओ, शिशुपाल रोज 100 गालियां देता था कि नहीं? सामने थे दुर्योधन, जिस कृष्ण के लिए आप रो रहे हैं वो कृष्ण सामने खड़े हैं और दुर्योधन गाली दे रहा है, ए मान दो ग्वाले को, बड़ी शांति की बातें कर रहा है। शांति प्रस्ताव लेकर जब आए ना भगवान के पांडवों को, 5 गांव दो, तो दुर्योधन बांधने चला था कृष्ण को। जिन कृष्ण को हम, जिनकी याद में, जिनके लिए रोते हैं भक्त जन, साधु जन, ज्ञानी जन, संत जन, उस उन कृष्ण को दुर्योधन बांधने चला। क्यों? कृष्ण दुर्योधन को प्राप्त थे, बस पहचान ना पाया। राम रावण को भी प्राप्त थे भाई, लंका में विभीषण भी तो रहता था और लंका में रावण भी रहता था, रावण नहीं पहचान पाया और विभीषण ने पहचान लिया। हाँ या ना, एक ही चक्की काटा दोनों खाते थे। आप पहचान पाए ईश्वर को,
आपको क्या लगता है, आपको भगवान मिले या नहीं मिले? बोलो, मिले कि नहीं? आप में से कितने लोगों को भगवान मिल चुके हैं? आपको मिले? आपको मिले? आपको मिले? ये देखो 90% लोग कह रहे हैं हमें भगवान नहीं मिले। तो सवाल पूछता हूं, उत्तर देना। वो जो तुम्हें पैदा की और तुम्हें अपना दूध पिलाया था, वो कौन थी? तुम्हें दूध ना पिलाया होता तुम मर ना जाती मैया? तुम उस समय रोटी नहीं खा सकती थी? तुम उस समय चावल बादाम काजू नहीं खा सकती थी? दूध ही पी सकती थी? तो दूध किसने दिया तुम्हारी माँ के आंचल में? दूध ईश्वर भगवान ही माँ बनकर आते हैं। हम जानते ही नहीं किसी भगवान को, हम तो पहले माँ को जानते हैं ना। इस धरती में बताओ जब हम आए तो सबसे पहले हमने माँ को जाना कि भगवान को जाना? सब लोग उत्तर दो। तो माँ कौन है? पर आप क्या कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? देखा सबने है, बात वही ना, दुर्योधन ने भी देखा था, पहचान नहीं पाया। रावण ने भी देखा था राम को, पहचाना ही नहीं। तो जिसने अपनी मां में भगवान को नहीं देखा, फिर वो भगवान को कहीं नहीं देख सकता। और जिसने अपनी मां में भगवान को देख लिया, वो सब जगह भगवान को देख सकता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इंसानों की सेवा, सेवा ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही जप है, सेवा ही तप है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं सेवा करो, सेवा करो, मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा करो। आप कितना भी बड़ा मंदिर बना लो, और कुछ भी आप कर लो, लेकिन वो उपासना आपकी सेवा से बड़ी नहीं हो सकती। श्रवण कुमार ने कौन से भगवान की पूजा की थी? बोलो, सेवा की ना मां की। माता अनुसुईया ने कौन से भगवान की पूजा की? सिर्फ पति की सेवा। यदि आप पुत्र हो तो मां बाप की सेवा करो, आप पत्नी हो तो पति की सेवा करो, आप गृहस्थ हो तो अतिथि की सेवा करो। मतलब आप कहीं भी हो वहां से सेवा करो। सारा मैसेज है, केवल सारा निष्कर्ष है सेवा। इसलिए सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही। भगवान श्री राम क्या सिखा रहे हैं? मां बाप की आज्ञा मानना क्या है? सेवा है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। मथुरा में भगवान के पिताजी को बेड़ियां थी, पांव में हथकड़ियां थी, वसुदेव जी बंधन में थे। हाँ या ना? जैसे ही भगवान को लेकर चले, बंधन से मुक्त हो गए। जब तक भगवान को लेकर नहीं चले तो वसुदेव जी बंधन में बंधे रहे। ये बंधन क्या है? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? जो बंधे हैं कृपया वो हाथ उठा के मुझे बताएं। कितने बंधे हुए हैं हाथ उठाएं? क्लियर बताओ हमें फटाफट, फास्ट। सब लोग जो बंधे हैं, किससे बंधे हैं आप? बोलो। परिवार से, जिम्मेदारियों से। अच्छा एक बात बताओ, एक गधा था,
और धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता था कपड़ा उसके पीठ में रखकर। आज के दिन वो रस्सी ले जाना भूल गया तो संत जी से बोला धोबी ने कि महाराज मैं गधे को ले तो आया पर आज रस्सी भूल गया, इसे बांधने की बताओ मैं कैसे बांधूं। संत जी ने कहा झूठ मूठ का बांध दे। तो धोबी ने उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, खूंटे में झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा कि मैं अच्छा गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है, ये तो धोबी को पता था। अब लो पूरे कपड़े धुल लिए धोबी ने, ऊपर गट्ठा रखा धोबी को, गधे को एक लाठी मारा चल, गधा चले ही ना। धोबी ने कहा महाराज ये चलता क्यों नहीं। संत जी ने कहा तूने उसे खोला नहीं। अरे महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं। संत जी ने कहा बांधने का झूठ मूठ का अभिनय तो किया था, वो गधा है, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा बंधा हुआ नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। समझ में आई बात? गधा बंधा तो नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ जोर से माना था। उसी तरह आप भी, कोई आप में से किसी से नहीं बंधा, ना परिवार से, ना जिम्मेदारियों से, ना पत्नी से। आज के आज बुलावा आएगा तो जस का तस आपको जाना पड़ेगा। आप में से कौन बंधा है, किससे बंधा है, लेकिन आप भी उस गधे की तरह सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हो। हम बंधे, हम बंधे, हम बंधे। कौन बंधा है बताओ, किससे बंधे हैं आप? परिवार, ये परिवार को तुम्हारे बाप दादा छोड़ के चले गए, ऐसी तुम एक दिन चले जाओगे, ऐसी आने वाली पीढ़ी, ये तो करोड़ों जन्म से हो रहा है, ये प्रोसेस है ईश्वर का, ये तो भगवान की खेती है। इतना सीरियस क्यों लेते हो संसार को? हम तुम तो फसल हैं, जैसे किसान फसल बोता ना खेत में, पानी सींचता है, खाद डालता है, उसे उगाता है, फिर दवाई छिड़कता है, फिर वो बड़ी होती है फसल, अंकुरित होती, उसमें बालियां लगती हैं, फिर वो पकती है, पकती है तो किसान काट देता है। ऐसे ही है, अब तुम्हारे बाल पक गए मतलब फसल पक रही है। अब तुम कितने भी मेहंदी पोत लो लेकिन फसल तो पक रही है। ये बाल पक गए मतलब क्या है? फसल, फसल अब कभी भी कटाई हो सकती है, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। अब तुम कितना भी लाल पीले कर लो बाल, आंखें पक गई महाराज, नौत मोतियाबिंद पक गया, ये फसल पक गई। अब पकी फसल खड़ी है, अब कभी भी तुम्हें क्या लगता है कि आप जिम्मेदारियों से बंधे? आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है, आपने ये गलतफहमी पाल ली, आपको लगता है महाराज जी मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, महाराज जी मेरे बाद क्या होगा मेरे बच्चों का, सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे सोचते थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, देखो सब मर गए, ठीक चल रहा है कि नहीं? बोलो, आपके बाप दादे मर गए, ठीक चल रहा है सब? बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो। और इनके बाप दादों को चिंता इनकी थी और ये बढ़िया चल रहा है, आप तो आराम से मरो। इस गलत फहमी में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद भी सब ठीक होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा, सब ठीक होगा। मैं कुछ करता हूं ये गलत फहमी में मत रहो, भगवान सब करते हैं ये है सही बात। मैं कुछ करता हूं ये गलत है, भगवान करते हैं ये सही है। मैं कुछ, बताओ मैं क्या करता हूं, बताओ मैं क्या करता हूं, बोलो। मेरी मां, आप क्या करते हैं,
आप करते नहीं हैं, आप तो केवल वही करते हैं जो भगवान कराना चाहते हैं। सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, जो हो रहा है ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप वृंदावन आए तो आप आए नहीं, भगवान की कृपा थी इसलिए वो बुलाए तो आ गए। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। फिर यहां पर आप एक सवाल कर सकते हैं कि महाराज जी, फिर चोर चोरी करता है तो क्या ईश्वर की मर्जी होती है? फिर आप सवाल कर सकते हैं कि कोई गलत काम हम करते हैं तो पाप का दंड हमें क्यों मिलता है, जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो फिर सब भगवान करा रहे हैं, फिर हम थोड़ी कुछ करने वाले हैं। तो यहां पर एक छोटा सा करेक्शन आपको करके देंगे हम, समझने के लिए कि संसार भगवान की मर्जी से चलता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात सही है। लेकिन ईश्वर ने आपको बुद्धि दे करके कुछ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। ईश्वर ने आपको क्या दी है? बुद्धि। आपको बुद्धि दी है, आपको पता है ना, आपसे मैं कहूं कुएं में कूद जाओ आप कूदेंगे, आपको मैं कहूं आग में कूद जाओ कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। मतलब आपको ये पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो ईश्वर ने इतनी अक्कल तो दे रखी है, जब ईश्वर ने इतनी बुद्धि दे रखी है तो आपको अपने रोजमर्रा के निर्णय तो खुद लेने पड़ेंगे कि चोरी करना सही है कि यदि चोरी करना सही है, क्या आपका मन कहता है कि चोरी करना सही है? चोर कभी नहीं उसका मन कहता कि चोरी करना, वो जानता है कि यह गलत है लेकिन फिर भी करता है। और जब जानते हुए तुम कर रहे हो तो फिर ये भगवान ने नहीं कराया, ये तुमने किया, इसका दंड तुम। क्योंकि ईश्वर ने आपको, गाड़ी में ब्रेक भी होता है एक्सीलेटर भी होता है, ब्रेक की जगह ब्रेक दबाना है, एक्सीलेटर की जगह एक्सीलेटर दबाना है। तो आपको ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आप ये निर्णय खुद लो। कुछ चीजों के लिए ईश्वर ने स्वतंत्र कर रखा है, जैसे हमारे केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है, हाँ या ना? तो कुछ केंद्र सरकार निर्णय लेती है पर कुछ निर्णय लेने के लिए राज्य सरकारें स्वतंत्र होती हैं, कि वो अपने राज्य के लिए बढ़िया डिसीजन खुद ले सकती हैं, हाँ या ना? ये देश चल रहा है केंद्र से, ये देश चल रहा है जोर से केंद्र से, लेकिन कुछ निर्णय राज्य ले सकता है, हाँ या ना? उसके अधिकार में है, चल तो रहा है केंद्र से पर कुछ डिसीजन राज्य ले सकता है। उसी तरह चल तो रहा है भगवान की ओर से संसार, लेकिन कुछ निर्णय आप अपने सही गलत खुद लीजिए और उसका भुगतान भी आप खुद करेंगे, अच्छे का अच्छा और बुरे का, उसके जिम्मेदार आप होंगे ना कि ईश्वर। क्योंकि आपको पता था कि जो आपने किया वो गलत था। शराब पीते हो आप, आपको पता है कि ये गलत है तो क्यों पीते हो? चोरी करते हो आप, आपको पता है कि ये गलत है क्यों करते हो? झूठ बोलते हो आप, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप, सबको पता है, सबको पता है झूठ बोलना गलत है, क्यों बोलते हो आप? जब बोला है झूठ तो उस झूठ का पाप का भाग भी आपको ही मिलेगा, वो ईश्वर थोड़ी भोगेंगे। क्योंकि ईश्वर ने तो पाप पुण्य दोनों बनाए हैं, ईश्वर ने तो कांटे और गुलाब दोनों बनाए हैं। कांटे की जहां जरूरत पड़ती है वहां कांटे का प्रयोग कर लो, गुलाब की जहां जरूरत पड़े वहां गुलाब का प्रयोग कर लो। दोनों के प्रयोग के लिए आपको अक्कल चाहिए ना, भाई कांटा लग गया तो आप कांटे को कांटे से निकाल सकते हैं इसलिए कांटा है, और महकाना है वातावरण को तो गुलाब का प्रयोग कीजिए। तो दोनों ईश्वर को बनाना जरूरी था। अब आप कहेंगे जी भगवान ने बनाया ही क्यों फिर, पाप को झूठ को? नहीं, ईश्वर देखो, ईश्वर ने पाताल बनाया तो आकाश भी बनाया, ईश्वर ने स्त्री बनाई तो पुरुष भी बनाया, ईश्वर ने मां बनाई तो बाप भी बनाया, ईश्वर सब बैलेंस करके चलते हैं।
ईश्वर ने झूठ बनाया तो सच भी बनाया। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आपको झूठ पर चलना है कि सच पर चलना है। ईश्वर ने दया बनाई तो निर्दयी भी निर्दयता भी बनाई। जल्लाद कसाई, एक के अंदर है दया और दूसरा है जल्लाद। अच्छा ये बताओ ईश्वर ने ये दो दो क्यों बनाई, झूठ क्यों बनाया? झूठ बनाते ही ना तो कोई झूठ ना बोलता, फिर पाप ना लगता। एक बात बताओ, ये ईश्वर ने ये इतना निर्दयी, कोई आदमी कितना क्रूर होता, क्रूर निर्दयी जल्लाद क्यों होता है? और कोई आदमी इतना दयावान कि चींटी को दाना डालता है, और कोई इतना क्रूर होता है कि आदमियों का जिंदा गर्दन काट देता है, जिंदा बच्चों को मार देता है, जल्लाद निर्दयी। तो ईश्वर ने एक तरफ तो दया बनाई, दया, और दूसरी तरफ निर्दयी बना दिया, निर्दयता भर दी किसी किसी के अंदर। अब मुझे ये आप लोग समझाओ कि ईश्वर ने ये दोनों क्यों बनाए, क्या उत्तर है आपके पास? है तो दीजिए वरना हम आपको उत्तर देंगे। है इसका उत्तर आपके पास? ईश्वर ने झूठ क्यों बनाया? हाँ, इसको गहराई से समझोगे तो पता लगेगा कि यदि रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही ना होता, यदि झूठ ना होता तो सच का कोई महत्व ही ना होता, कोई कीमत ही ना होती, कोई वैल्यू ही नहीं होती। यदि जल्लाद ना होता, निर्दयी ना होते तो दया की कोई कीमत ही नहीं होती। हाँ या ना? अच्छा बताओ, ईश्वर ने प्रैक्टिकल में एक सेपरेट भी बनाया है, एक कुछ चीजें, जैसे दो पुष्पों की मैं बात कर लूं। सुन रहे हैं आप लोग तो सुनो, दो फूल होते हैं, एक होता है गुलाब का, एक होता है गेंदे का। इन दोनों पुष्पों में थोड़ी सी भिन्नताएं हैं। क्या भिन्नता? कि गुलाब के पुष्प में, गुलाब के पेड़ में कांटे बहुत होते हैं और गेंदे के पेड़ में कांटे बिल्कुल होते हैं। गेंदे में एक भी कांटा नहीं होता जबकि गुलाब के पास सैकड़ों कांटे होते हैं। बोलो हाँ। अब आप सोचेंगे कि ईश्वर ने गुलाब के पेड़ पर कांटे क्यों बनाए? अब बताइए कि बाजार में गुलाब ज्यादा महंगा मिलता है या गेंदा? उत्तर दो। कीमत किसकी ज्यादा है? जो कांटों के पास है कीमत उसी की ज्यादा है, जिसके बीच में कांटे नहीं है उसकी कीमत नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में यदि दुख ना होता तो सुख की कोई वैल्यू ना होती, कोई कीमत ना होती। इसलिए दुख फिर सुख, हानि ना होती तो लाभ की कीमत क्या होती? इसलिए ईश्वर ने बैलेंस, कांटा ना होते गुलाब में तो गुलाब की कीमत क्या होती, गेंदे में तो नहीं है तो कीमत कहां? इसलिए ईश्वर ने जो बनाया है, दूध बनाई तो शराब भी बनाई। अब ये तो डिसीजन आपका है ना कि दूध पीना है कि शराब, सही पर चलना है कि गलत पर। ईश्वर ने तो दोनों रास्ते बनाए हैं और दोनों के परिणाम भी अलग अलग हैं, दोनों की कीमत भी अलग अलग है। इसलिए जमाना, आप क्या बोलते हैं महाराज जी, सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे सारे बोलने दो भाई, रास्ता तो दो ही है ना। कोई झूठ पर चल रहा है तो चलने दो ना, हम सच पर चलेंगे। कोई निर्दयी है तो रहने दो ना, हम दया पर चलेंगे, हम दया पर चलेंगे। इसलिए मेरी मां, रास्ते दो हैं, तीसरा कोई एक धर्म का एक अधर्म का। भगवान के हृदय से धर्म प्रकट होता है और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट होता है। धर्म अधर्म पाप पुण्य सब कुछ सारे भगवान की ही संतान है। ईश्वर ने सब बनाया, लेकिन ईश्वर ने आप लोगों को बुद्धिमान भी बनाया है।
आप लोगों के अंदर ईश्वर ने इतनी बुद्धि तो दी है कि आप ये जान सको कि आपके लिए क्या गलत है और क्या, इसलिए अंतिम डिसीजन आपका है। मेरा काम है समझाना, मैं आपको बेहतर समझा ही सकता हूं, मां बाप बेहतर संस्कार दे सकते हैं, गुरुजन बढ़िया बढ़िया समझा सकते हैं, चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। तो जो आप रास्ता अपनाएंगे उसी का फल पाएंगे, झूठ का अपनाएंगे तो झूठ का फल मिलेगा, सच का अपनाएंगे सच का मिलेगा। दुर्योधन ने झूठ का रास्ता अपनाया तो उसे झूठ का फल मिला, और अर्जुन ने सही रास्ता अपनाया तो उसे सही का फल मिला, दोनों को फल मिला, एक का नाश हो गया एक की जय जयकार हो गई, फल दोनों को मिला, क्योंकि जो झूठ पर था उसका नाश हो गया, जो सच पर था उसका यश कीर्ति बढ़ गई। रावण झूठ पर था, राम सच पर थे, तो रावण के पुतले जलाए गए, राम के मंदिर बनाए गए। रास्ता दो ही है, तीसरा कोई रास्ता नहीं, एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता। इसलिए कहता हूं गलत रास्ते पर ना चलना। आप कहो तो महाराज जी सब चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, सब जाए चूल्हे में, तुम क्यों चलो, तुम क्यों चलो, तुम्हारे पास तो अक्कल है ना, समझ है ना, फिर दोष ना देना ईश्वर को। हां कर्मन की गति न्यारी मेरी मां, भगवान सब। तो आप में से कोई बंधा हुआ नहीं है, दोष किसी को मत दीजिए कि हमारे को दुख आया, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है, विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे बन को, न देना दोष कह कई को, विपत्ति तो सब पे आती है। ये जो दशरथ जी रो रहे हैं मेरा राम मुझे छोड़कर मत जाओ, ये तुम कैकेयी को दोष मत दो, ये दशरथ जी के ही कर्मों का फल है, इन्होंने भी तो रुलाया था ना श्रवण के माँ बाप को, मार दिया था श्रवण को, अब भाई किया है तो भोगना पड़ेगा, भगवान के बाप को भी भोगना पड़ा है। तो अरे गरे नथु खैरे की क्या कहें साहब, कर्मों का दंड तो भगवान के बाप को भोगना पड़ता है। श्री दशरथ जी ने रो रो करके तड़प तड़प करके प्राण त्यागे, हाँ या ना, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है। अरे श्रवण के माँ बाप को भी दुख आया, विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सपाया है, न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत दीजिए, ये तो अंधा अंधी के पापों का फल था कि उनका उनके जीवन में दुख आया। अब आप कहेंगे अंधा अंधी ने क्या पाप किया, हाँ श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप, नहीं जानना चाहोगे तो जानो, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अयोध्या के थे, अयोध्या क्षेत्र के थे, और श्रवण के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, पैसे वाले। उनके घर में एक झाड़ू पोछा लगाने एक बाई आती थी, तो वो सेठ जी ने वो उस बाई पर उस महिला पर नजरें रखी, और वो महिला को भी पैसे का लोभ आया, तो उसने भी सेठ साहूकार को आई लव यू बोल दिया,
दोनों का चक्कर चालू हुआ और जब दोनों का चक्कर चालू हुआ तो सेठ की पत्नी को चला पता, भाई पत्नी को तो पता चल ही जाएगा कि मेरे पति का ये किसी और से नयन मटक का चल रहा है। और वहां पे जो वो झाड़ू पोंछा करने आई उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी तो फलाने जिसके घर में काम करती उसी से उसका कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है, तो वो शिकायत लेकर राजा के पास गए। वो शिकायत लेकर राजा उस समय अयोध्या के राजा उन्होंने ये उस समय राजा थे अज, उस समय अयोध्या के राजा कौन थे अज, दशरथ जी के पिताजी। ये तब की बात है जब उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे और दशरथ जी छोटे से थे, तो आज वहां के राजा थे। तो आज के पास ये केस गया, वो जो कामवाली उसकी पत्नी वो अपने पत्नी का पक्ष रखा, महाराज मेरी पत्नी को इस पैसे वाले व्यक्ति ने फंसा लिया। और उसकी पत्नी ने राजा से कहा, महाराज मेरे पति को इस महिला ने फंसा लिया, अब अज को न्याय करना है। तो अज ने पूछा दोनों को बुलाकर, क्यों तुमने इस पुरुष से संबंध बनाए? वो महिला बेचारी डर गई, हां महाराज गलती हो गई, मैं पैसे के चक्कर में पड़ गई। पुरुष से क्यों तुमने इस महिला से संबंध बनाए? महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। राजा ने कहा, गलती हुई है तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाए? बोले तुम्हारे अंदर ये अपराध की भावना कहां से आई? आंखों से। तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। पहले का दंड था, तुम्हारे अंदर ये वासना कहां से प्रवेश करी? तुमने पहले देखा ना, तो रूप देखा तो सुंदरता मन में बसी और तुमने गलत काम किया तो तुम अंधे। दोनों दोनों की आंखें फोड़ दी गई। ये राजा का न्याय था, आंखें फोड़ दी गई सेठ की और उस महिला की आंखें फूटी। अब राजा ने बोला कि आंखें तो फूट गई, ये तो था दंड, लेकिन अब तुम्हारे इस कुकृत्य से कहीं हमारे समाज में ऐसी मानसिकता औरों के अंदर ना आए। आप जैसे लोग यदि समाज में रहोगे तो कल को आपका आचरण कोई दूसरा अपनाएगा, किसी और महिला, किसी और पराई स्त्री पर नजर, किसी और पराए पुरुष पर नजर रखने वाली ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष समाज में हो गए तो यह समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए इन लोगों को देश निकाला दे दिया। तो वो अयोध्या की सीमा से निकलकर बाहर चले गए और वहां सरयू के तट पर किसी जंगल में दोनों पति पत्नी, अब वो दोनों, अब राजा ने बोला तुम दोनों का रहो साथ में। अब उसकी पत्नी ने भी अपने पति को साथ में नहीं रखा और इस पुरुष ने भी अपनी पत्नी को साथ, अब वो दोनों साथ में रहे और दोनों जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे और दोनों के अंदर अब गिलानी हो गई कि हम लोगों ने गलत किया। दोनों के अंदर क्या हो गई? जोर से गिलानी। और दोनों के अंदर जब गिलानी हुई, दोनों ने सोचा कि हमने बहुत गलत कार्य किया है। और जब गिलानी हुई तो दोनों ने फिर मन भगवान में लगाया और दोनों का हृदय शुद्ध हो गया, मन प्रभु में लग गया। और जब मन प्रभु में लगा तो फिर उनके प्रभु भक्ति के कारण उनके घर में जो संतान हुई वो श्रवण कुमार हुई। तो श्रवण कुमार को मारा दशरथ जी ने और फिर उनके पिता उनके वियोग में रोए, क्योंकि भाई आपने भी तो किसी को रुलाया, किसी की पत्नी पर कब्जा कर लिया, किसी के पति पर आपने रुलाया, तो आपको भी रोना पड़ेगा। तो ये उनका हिसाब किताब था, तो उनका हिसाब किताब उन्होंने भोगा और दशरथ जी का हिसाब किताब उन्होंने भोगा। इसलिए कहता हूं सब तो अपना ही हिसाब किताब भोग रहे हैं। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। इसलिए
जीवन में जब दुख मिले तो दोष किसी को ना दो, ये हमारे ही कर्मों का दंड है। कब पाप उदय हो जाए, कब पुण्य उदय हो जाए, ये तो हमारा ही किया है। इसलिए आप में से कोई भी बंधन में नहीं है, अपने आप को बंधन में ना माने। हम तो मुक्त हैं, भगवान की हैं, भगवान की शरण में हैं। तो आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? कोई नहीं। इसलिए झूठे मूड का बंधन ना पालो, आप मुक्त हैं। आप भजन कीजिए, आप भगवान का चिंतन कीजिए, परिवार के साथ रहिए लेकिन बंध करके नहीं, मुक्त होकर के रहिए। बंधन तब होता है जब आप परिवार को, परिवार के बिना जी नहीं पाते। जीना तो पड़ता है साहब। देखो जीवन में दो बातें सीखनी है। आपने नारियल दो प्रकार के देखे होंगे। नारियल कितने प्रकार के? एक कच्चा नारियल, एक पका हुआ। दोनों नारियल आपने खूब देखे होंगे। ये कौन सा नारियल है? जोर से कौन है? कच्चा है, ये पका हुआ? ये नारियल है पका हुआ। और कच्चा नारियल कैसे होता है? कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका होता है, जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उससे चिपका होता है। कच्चे नारियल को बजाओगे तो पानी बजेगा, नारियल नहीं बजेगा। पक्के नारियल को बजाओगे तो अंदर से आवाज आएगी, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। वो खोपड़ी को छोड़ देता है पका हुआ नारियल। इसलिए कच्चा नारियल तोड़ने से ना खोपड़ी टूटती है तो नारियल का गोला भी टूट जाता है, जबकि पके नारियल को तोड़ो तो खोपड़ी टूटती है पर गोला नहीं टूटता। बात सही है या गलत है? समझ में आ रही है? तो कच्चा नारियल जो है वो चिपका हुआ है किससे? खोपड़ी से। खोपड़ी मतलब जो नारियल का जो हिस्सा, हम उसे खोपड़ी बोल रहे हैं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं? नारियल की खोपड़ी बोले उसे। तो नारियल की खोपड़ी से चिपका हुआ नारियल का गोला, कच्चा नारियल चिपका हुआ है और पका हुआ नारियल चिपका हुआ नहीं है, हाँ या ना? अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो कि पक्के नारियल हो? आप अपने पत्नी से, पति से, परिवार से, पैसे से कच्चे नारियल की तरह चिपके तो नहीं है जैसे वो खोपड़ी से चिपका है? यदि आप चिपके हैं तो फिर आप कच्चे हैं। नारियल का गोला नारियल के अंदर ही तो है, खोपड़ी के अंदर, लेकिन वो चिपका हुआ नहीं है। रहना परिवार में है पर कच्चे नारियल की तरह चिपक कर नहीं, पके नारियल की तरह अलग रहना है। रहो नहीं के बीच में, पत्नी परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करो पर संसार से इतने अटैच मत हो जाओ, कच्चे नारियल की तरह चिपक मत जाओ, क्योंकि चिपकोगे तो नुकसान है। क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि जैसे किसी की पत्नी मर जाती है, जैसे आप किसी की पत्नी मर गई, तो जब पत्नी मरी तो आदमी रोता है, रोता, अरे मैं तो मर गया, मैं तो मर गया, मैं तो मर गया। अरे भाई तू नहीं मरा, तेरी पत्नी मरी है। पत्नियां भी रोते, मैं तो मर गई, मैं तो बर्बाद हो गई, तू कहां मर गई, पति मरा है। लेकिन आप पति के मरने को, पत्नी के मरने को आपको लगता मैं ही मर गई, मैं ही मर गया, यही है कच्चा नारियल। कि खोपड़ी टूटी तो गोला भी टूट गया, क्योंकि वो बाहर वाले से अटैच था, खोपड़ी से चिपका था। आप संसार से यदि ज्यादा चिपक जाएंगे तो परिवार में कोई भी मरेगा तो आपको लगेगा मैं मर गई, मैं मर गया। संसार में रहना है पर इतने चिपक करके नहीं। ये याद रखना है कि एक दिन पत्नी को जाना है, पति को जाना है, इसलिए हम रहें साथ में लेकिन इतने आसक्त तो होकर नहीं। ये याद रखें कि हम दोनों में से एक को जाना है और फिर हमें अकेले रहना है। इसलिए अभी से अभ्यास सेट कर लो दिमाग, तुम दोनों, दोनों के मरने की तिथि एक नहीं होती ना, पति और पत्नी के मरने की तिथि एक होती है क्या? कोई करोड़ों में एक केस ऐसा हो जाए कि उसी दिन पति मरा तो उसी दिन पत्नी मर गई, ऐसा कहीं करोड़ों में एक आध केस ऐसा भी मिल जाएगा आपको?
है ना, लेकिन अधिकांश क्या होता है, अलग 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 आए हैं और अलग अलग जाएंगे। इसलिए संसार से इतना मोह ना कर लो कि आप बस रोते ही रहें। रोना है पर संसार की याद में नहीं, भगवान की यादों में रोइए। ये संसार तो मिला है, चला जाएगा। हम मिले आपको, हम भी तो चले जाएंगे। आप मिले हमें, आप भी तो चले जाएंगे। आप मिले ही हमें क्यों हो, जाने के लिए। ऐसे ही है संसार, इसलिए संसार से ज्यादा मोह नहीं। चलो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो। मैया पकड़ लो मेरी मां, जोर से दबाओ ऐसे कस के और जोर लगा के, और अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में। हाँ यही तो हम समझा रहे हैं कि संसार को पकड़ने में दुख है, संसार को छोड़ने में। इसलिए छोड़ो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के जंगल चले जाओ। रहो पर पक्के नारियल की तरह, रहो कमल की तरह। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी की एक बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। एक बूंद डालेंगे तुरंत नीचे गिर जाएगी। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। रहना है, पत्नी का पूरा ख्याल रखो, पत्नी बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बेटे को पढ़ाओ लिखाओ। पर बेटे से इतने, बेटा मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा बेटा, ये सब नहीं। बेटे को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, है ना। पत्नी के पास रहो, पत्नी से प्रेम करो, पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करो। परंतु ये नहीं कि मैं तुम्हारे बिना कह, और देखो बात, आप कितना भी ये कह लो कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी या रहूंगा, लेकिन बाद में आदमी रह ही लेता है। तो जब रह ही लेते हो तो रो रो के क्यों रहना, थोड़ा प्रसन्नता से रहो। बस बात इतनी समझा रहे हैं आपको कि रहना तो है, रो के क्यों, हंस के रहो। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो हम बंधन में नहीं, भगवान को लेकर वसुदेव जी चले, बंधन से मुक्त हो गए। भगवान को लेकर चलने वाला मुक्त है, और कन्या को कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी लाए, पुनः बंधन में बन गए। पूतना मौसी आ गई भगवान को मारने। जैसे ही पूतना मौसी आई, रूप बदल कर भगवान ने आंखें मूंद ली। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना छोटे छोटे बच्चों को मार मार के खाती थी। आज भगवान को मारने का प्लान बनाकर पूतना जब चली, तो भगवान उस समय बिस्तर पर लेटे पालने पर झूला झूल रहे थे कि पूतना मौसी आई। भगवान ने मौसी को देखा और देखते ही आंखें मूंद ली, और पूतना को देखते ही भगवान ने आंखें क्यों मूंदी, इस पर ऋषि मुनियों ने बड़े भाव दिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि पूतना भगवान को मारने आई है, और भगवान तो तारने का बहाना ढूंढते हैं कि कोई बहाना मिल जाए तो तार दें। तो पूतना को तारने का बहाना, भगवान सबको तारते हैं, है ना। पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए मूंदी क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी, भीतर से बड़ी कपट भर के लाई है। भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर होता है भीतर छल कपट भर के लाता है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता, इसलिए नेत्रों को कर लिया बंद, है ना मेरी मां। पूतना बाहर से बड़ी सुंदर है जबकि भीतर से छल कपट भरा पड़ा है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए पूतना को। भगवान कहते हैं मुझे वही पा सकता है जिसके अंदर निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को वही पाता है जिसके अंदर निष्कपटता हो, निष्कपट निष्काम। मैया
सो रही हो मेरी माँ। भगवान तो बहाना ढूंढते हैं, कौन सा कौन सा कौन सा बहाना। तारा है सारा जमाना, भगवान सबको तारते हैं। पूतना को तार दिया तो भगवान से कहो, प्रभु पूतना को तारा तो हमें भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। हमको भी तारो नाथ, 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 हमको भी तारो। कर लो अब हो, कर लो अब हो, कर लो अब कोई बहाना, कर लो अब कोई बहाना। नाथ हमको भी तारो, है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। जय हो हरी। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। मीरा को तारा नाथ, मीरा को तारा। मीरा को तारा नाथ, मीरा को तारा। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। विष का तो करके बहाना, विष का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा, हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। हमने सुना है नाथ द्रौपदी को तारा। साड़ी का हो, साड़ी का हो, चीरे का करके बहाना, चीरे का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो। जय हो हमने सुना है नाथ,
हमने सुना प्रहलाद जी को तारा, हमने सुना प्रहलाद जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, प्रहलाद जी को तारा, हमने सुना प्रहलाद जी को तारा, हमने सुना है प्रहलाद जी को तारा, खम्भे का हो खम्भे का हो खम्भे का करके बहाना नाथ हमको भी तारा, खम्भे का करके बहाना नाथ हमको भी तारा, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारा, हमको भी तारो नाथ हमको भी हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो, हमको भी तारो अनिरुद्ध को तारो, हमको भी तारो अनिरुद्ध को तारो, तारा है तारा है सारा जमाना अजी, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना नाच हमको भी तारा, अरे तारा है सारा जमाना नाच हमको भी तारा, तारा है सारा जमाना नाच हमको भी तारा, 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 अब कोई बहाना कर लो, अब कोई बहाना ओ नाथ हमको भी तारो, कर लो अब कोई बहाना ओ नाथ हमको भी तारो। तो भगवान ने सबको तारा है, तो प्रार्थना करिए कि प्रभु कभी हम पर कृपा कीजिए, भगवान मैया शांत रहो मेरी प्यारी माँ, चुपचाप बैठ जाओ मेरी माँ, भगवान पूतना पर कृपा करते हैं, पूतना का उद्धार करते हैं, परम गति प्रदान करते हैं, पूतना को शकटा सुराया, छकड़े पर आकर बैठा, तृणावर्त आया, भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त को मारा, नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण और बलराम गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, और भगवान एक दिव्य संस्कार भगवान का हुआ, और भगवान अब थोड़ा जब बड़े हुए ना, कृष्ण और बलराम जब नाम पड़ा भगवान का, गर्गाचार्य जी ने नाम रखा, भगवान जब बड़े हुए तो बच्चे जैसे बाल लीलाएं करते हैं ऐसे भगवान लीलाएं करने लग गए, क्या क्या लीला की वो जरा ध्यान से सुनना, गोपियां शिकायत करने आ रही हैं, मैया ओ यशोदा, अरे मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो, का क्यों हमारे लाला ने, अरे मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौ से संजाते हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितै स्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डम
हिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। ऐसे मैया यशोदा कन्हैया का श्रृंगार कर रही थी कि गोपियां आ गए। मैया ओ यशोदा का हुआ बहन, काय गला फाड़ रही है? अरे बहन तो कू पतो ना है, तेरे लाला ने का उधम कियो, का उत्पात कर रखियो है याने। अच्छा का कियो हमारे लाला ने? मैया तो कू पतो ना है ना बहन, मोको तो कछु ना है पतो। अरे बहन तेरे लाला ने हमारे सबरे बच्चन को बछड़न को खोल देवे, सारा बछड़ा जाए और दूध पी के आ जाए। गैया दोहवे को समय ना मिले। अच्छा ऐसो काम करे? हाँ मैया। और का बताऊ मैं तो कू? हाँ हाँ बताइयो तो सही। अरे मैया तेरे लाला ने जब हम याकू कहे च्योरे लाला चोरी से माखन काहे को खावे, तेरे घर में माखन की कमी है का? तू आके मांग लियो कर हम तो कू खवायो करेंगे। कन्हैया बोलो सखी का मोकू भिकमंगा समझ रखो है तय तूने, तो चोरी काय कू करे बड़ो बाप को बेटा है। अरे मैया अरी सखी चोरी के मक्खन को स्वादी कछु और आवे, ऐसी बातें करे भगवान। मैया बोली कि जब मेरे लाला उधम कियो करे तो तुम डांट दियो करो। अरे मैया जब याकू हमें डांटे तो हमारी तरफ देख के ये ही करके हंसे, और जब या की मुस्कान हम देखे तो हम सारो गुस्सा भूल जाए। तेरे लाला की मुस्कान में ना जानो कौन सा जादू है। सारो मक्खन खावे मैया, सबरन को ग्वाल वालन को लुटावे, और याऊ से पेट ना भरे याको तो बंदरन को खवावे। तेरो लाला चोर है गयो मैया। अच्छा अब मैया बुलाई कन्हैया। हाँ मैया का है गो? अरे लाला यहाँ सखियां बोल रही है तू चोर है गयो। ना मैया मैं चोर ना हूं। तो दारी के तू काहे को जावे घर घर चोरी करवे, क्यों मक्खन काहे को चुरावे? घर में तो को मक्खन की कमी है का? अरे मैया तू ही बता, जब मेरे घर में इतनो मक्खन है और तू खाए पीवे की ताई रोके छोड़ी, जब इतनो मक्खन है तो मैं इन सखियन के घर में जाके चोरी काय को करूंगो? तो सखा लाला यो बता के भरी चोरी की तो पे शिकायत काय को करें? अरे मैया तू ना समझ रही, ये सारी सखियां मेरे गाल को पकड़ पकड़ के कहे कन्हैया मेरे से ब्याह करेगो, मेरे से ब्याह करेगो। अब तू ही बता मैया मैं इतनो सो कन्हैया इन सखियन से ब्याह कैसे करूंगो? ये सारी गोपियां मेरे से ब्याह करनो चाहे मैया, पर मैं तो कुछ सच्ची बताऊं मैं इन सखियों से ब्याह ना करूंगो। तो मैया बोली अच्छा तू ही बता दे तू किससे ब्याह करेगो? मैया मैंने तो फिक्स कर रखे है। अरे राम राम तेने फिक्स कर रखे हो, मोको पतो ही ना है किससे फिक्स कर रखे हो। अरे मैया तो को पतो ना है, वो बरसाने के राजा है ना बरसवानु जी? हाँ 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 तो उनकी छोरी है? हाँ हाँ क्या नाम है उसका? मैया तू ही बता नाम का है, तो को पतो ना है? मैया मैंने तो सुन रखे हो बाको नाम राधा है, मैं तो भाई से ब्याह करूंगा मैया। अब तो मैया यशोदा लाला की बातन में बहल गई, और माता यशोदा लाला की बातन में आई गई। सारी गोपियां भगवान की बातें सुन सुन के मुस्कुरा कर चली गई। गोपियां शिकायत करने जो आती थी वो शिकायत तो एक बहाना था, शिकायत तो एक बहाना था, उन्हें तो बस कृष्ण का दर्शन पाना था। कृष्ण का दर्शन पाने के लिए शिकायत के बहाने गोपियां आती थी। बहाना भगवान गोपियों के घर जाकर जो बाल लीला करते, कभी ग्वाल वालों को लेकर जाते भगवान के सारे ग्वाल वाल, भगवान ने एक टीम बनाई बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, एक मंडल बनाया ग्वाल वालों का। सारे ग्वाल वाल जाए के चोरी करते, कोई खिड़की से घुस जाए तो दरवाजा खोल दे, सब घुस जाए तो ग्वाल वालों का गोला बने तो भगवान ऊपर चढ़े तो मटकी से मक्खन निकाले सबको बांटे, ऐसी लीला चलती भगवान की। एक सखी एक दिन भगवान अपने आंगन में खेल रहे थे, धूल मिट्टी के साथ खेल रहे थे, तभी वहां से एक सखी गुजरी। तो सखी ने कन्हैया को देखा,
तो वो बिल्कुल टुकुर टुकुर देखती रहेगी। तो बगल से कोई निकला तो उसने बोला चौरी सखी नजर लगाएगी छोरा कुंका। तो सखी बोली ऐसे तो खड़े नहीं हो सकते, लोग टोक देंगे। तो वो ना गौशाला सामने थी तो गोबर भरने लग गई टोकनी में, और जब गोबर भरने लग गई तो गोबर भर के उसने कन्हैया को इशारा किया, कन्हैया यहां। कन्हैया आए, सखी बताओ। कन्हैया एक छोटी सी मदद कर दो। हाँ कन्हैया ये टोकनी जरा मेरे उठवा कर माथे पे रखवा दो। अब छोटे से कन्हैया ना टोकनी उठवा रहे हैं। अब कन्हैया की ताकत कितनी लगी होगी, लेकिन गोपी तो केवल टोकनी, ना उसे गोबर चाहिए ना कुछ चाहिए, वो तो केवल इसी बहाने कन्हैया का स्पर्श करती है। कन्हैया को टुकुर टुकुर जी भर कर देखती है, टोकनी भरी और चली। तो बाहर फिर गोबर फेंक के आई, फिर गोबर भरने लग गई। फिर कन्हैया को बुलाती, कन्हैया जरा टोकनी उठवा दो। कन्हैया फिर उठवाते हैं। कन्हैया बोले तू बार बार मोको बुला के टोकनी उठवा रही है, ये बता ये टोकनी उठवावे के बदले तू मोको देगी का। सखी बोली तो को का चाहिए कन्हैया। अरे सखी का चाहिए, नेक तेरे घर आऊंगा तो मक्खन को गोला देगी। हाँ हाँ अच्छा ये बता कैसे हिसाब होएगा, मैंने दो बार तेरी टोकनी उठवाई, दो गोला है गए। अब तीसरी बार फिर आई, कन्हैया बोले अब सुन दो के बाद गिनती मोको ना आवे। अब तो एक काम कर, मेरे माथे पर टीका लगा दे गोबर के। एक बार लगाया तो एक टीका, दो बार उठाया दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, पूरे मुंह में गोबर का टीका गोपी ने लगाया, भगवान का पूरा मुंह गोबर गोबर हो गया। अब वो सखी ने देखा कि मैया यशोदा रही तो भाग गई, और जब भागी तो मैया यशोदा बोलाई कन्हैया। हाँ मैया। जब कन्हैया गए मैया बोली लाला तैने का कर रखो गोबर से, तैने मुंह काय को गीलो कर रखियो है, ला तेरो मुंह साफ कर दऊं। अरे मैया मुंह में पानी मत फेरियो, पूरो हिसाब चौपट है जाएगो। मैया बोली काय को हिसाब है, गोबर है तेरे मुंह में, मैया गोबर ना है हिसाब है। मैंने जितने अच्छा तू गिन के बताइयो कि मेरे मुंह में कितने टीका लगा रखे हैं गोबर के। मैया बोली लाला का मैं गिन पाऊं, तेरे मुंह में टीका ना है, पूरो मुंह गोबर से भरो है। मैया तू गिन ना पावेगी, तो को गिनती ना आए। अब कन्हैया दौड़े बाबा 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 तुम बताओ गिन के मेरे मुंह में कितने टीका लगे गोबर के। तो बाबा गिन रहे एक दो, गिन रहे इकनी एक दूनी दो तिरका तीन चौके चार पंचे पांच छक्के छह सत्ते सात अठे आठ नाम नौ धाम दस, दस दस टीका लगे। अच्छा हाँ मैया अब साफ कर दो, दस गोले है गए। अब मैया कन्हैया को भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं, इतने प्यार से भगवान बोलते हैं, इतने प्यार से भगवान मैया मैया कहते हैं, बाबा बाबा कहते हैं, कि मैया बाबा तो आनंदित हो जाते हैं। और भगवान की ये दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक तो हैं ही, ये केवल मैया और बाबा का ही मन नहीं मोहती, ये ब्रह्मा का भी मन मोह लेती हैं, और युगों बाद भी आज हमारा और आपका भी ये लीलाएं मन मोह लेती हैं। इसलिए भगवान का नाम है मनमोहन। भगवान का नाम क्या है? जो मन को मोहित कर ले उनका नाम मनमोहन। भगवान बड़े प्रेम से मैया उनका श्रृंगार करती है। अच्छा मैया कन्हैया का सारा काम खुद करती है। कन्हैया की सेवा के लिए मैया ने कोई नौकर नौकरानी नहीं लगा रखे। कन्हैया को नहलाना, कन्हैया का श्रृंगार करना, काजल लगाना, मैया ने 100 गैया नियुक्त कर रखी हैं। 100 गायों का दूध निकालती है और 50 गाय को पिला देती है मैया। फिर 50 गाय का दूध निकालती है तो 10 गाय को पिलाती है। फिर 10 गाय का दूध निकालती है तो 3 गाय को पिलाती है। और 3 गाय का दूध निकालती है तो एक गंगी नाम की गाय को पिलाती है। फिर उस गाय का दूध निकालकर फिर वो कन्हैया को पिलाती है। ऐसी सेवा करती है मैया। कन्हैया को दूध पिलाना, मक्खन उनके लिए निकालना, सारी सेवा मैया खुद करती है। हर वो काम करती है मैया यशोदा जो कन्हैया को अच्छा लगता है। बहुत प्यार। इसलिए आज तक के जितने भी श्रेष्ठ आचार्य हुए हैं,
श्रेष्ठ भक्त हुए हैं, और सभी भक्तों में माँ यशोदा सबसे उत्तम कोटि की भक्त है। मैया यशोदा सबसे उत्तम कोटि, सबसे ऊपर श्रेणी माँ यशोदा की। माँ यशोदा कन्हैया से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। अच्छा, माता देवकी भी प्यार करती हैं, लेकिन माता देवकी और यशोदा के प्यार में किसका प्रेम ज्यादा है? उत्तर दो। मैया किसका प्रेम ज्यादा है? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि यशोदा का प्यार ज्यादा है? किस आधार पर बताओ? किस आधार पर? सेवा के आधार पर ना? ठोस कारण बताओ। प्रेम? ऐसे तो देवकी माँ भी बोल देंगी कि मैं भी, मेरा भी बेटा है, मैं भी प्यार करती हूं। तो प्यार को थोड़ी आप तराजू में रखेंगे। कुछ ठोस प्रमाण दीजिए जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यशोदा माता देवकी माता से अधिक प्रेम करती है। प्रेम तो दोनों करती हैं, पर जब अधिक की बात आएगी तो किसका पलड़ा भारी होगा, उसमें आपको प्रमाण देना पड़ेगा। है कोई सबूत आपके पास? हाँ, माता देवकी और माता यशोदा, पीछे वाली मैया बताइए किसका प्रेम ज्यादा है? यशोदा का है तो प्रमाण दीजिए। प्रमाण मैं दे दूं? सुनो, देवकी माँ का प्रेम और यशोदा माँ के प्रेम में भारी प्रेम किसका है? माता यशोदा का। माता यशोदा के प्रेम की बराबरी माता देवकी का प्रेम कभी कर ही नहीं सकता। इसका प्रमाण दे रहा हूं, प्रमाण लीजिए। जब माता देवकी को पता चला कि कृष्ण भगवान है, तो देवकी माँ ने भगवान कृष्ण, मतलब अपने बेटे से मांगा। देवकी माँ ने कृष्ण से मांगा कि तुम भगवान हो तो मेरे पुत्रों को कंस ने मार दिया था, वो छह पुत्रों को तुम लाओ। तुम भगवान हो, सब कर सकते हो। तब मां के कहने पर मरे हुए वो पुत्र जिन्हें कंस ने मार दिया था, उन छह पुत्रों को भगवान श्री कृष्ण ने लाकर अपनी माता देवकी को सौंप दिए थे। ये रहे, मतलब कृष्ण जैसा बेटा पाकर भी माता देवकी संतुष्ट नहीं थी। यदि संतुष्ट होती तो फिर उन्हें दूसरे बच्चे की क्या जरूरत थी। लेकिन यशोदा भी तो मांग सकती थी, कन्हैया तू भगवान है तो मुझे भी बेटा दे ना, मुझे कोई और बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं चाहिए सिवाय। यशोदा माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और नहीं चाहा, जबकि देवकी माँ ने कृष्ण के सिवा कुछ और बेटों को भी चाहा। ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड भागवत जी में लिखा हुआ है। माता देवकी के छह पुत्रों को भगवान ने वापस किए थे, मरे हुए जो कंस ने मार दिए लौटाए। इसलिए माँ यशोदा के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जैसे राधा रानी के प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। फर्क इतना है कि माँ यशोदा के अंदर जो प्रेम है वो मातृ प्रेम है, माँ वाला, और राधा रानी के अंदर जो प्रेम है वो प्रेम कृष्ण को पति के भाव वाला प्रेम है। तो प्रेम तो अपने आप में दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसलिए प्रेम की अधिष्ठात्री राधा है और प्रेम की अधिष्ठात्री माँ यशोदा भी हैं। पर दोनों का प्रेम एक ममत्व का प्रेम है और एक पति और पत्नी का प्रेम है, दोनों प्रेम श्रेष्ठ। इसलिए
भगवान की पत्नियां तो 16108 हैं, लेकिन राधा रानी उन 16108 में भारी हैं, क्योंकि प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। तो राधा कौन है कृष्ण की? राधा से कृष्ण का क्या संबंध है बताइए? मैया बताओ, राधा और कृष्ण का क्या संबंध है? लोग पता ही नहीं। ये गुलाबी मैया बताओ, राधा और कृष्ण का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है? प्रेम का, और कोई रिश्ता नहीं? कौन सा? प्रेम का। वही प्रेम के रिश्ते का नाम तो होता है ना। आप पड़ोसी से बात करो, आप पड़ोसन से बात करो, तो लोग पूछेंगे कि आपका इससे क्या रिश्ता है, तो बताना पड़ेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा बता। रिश्ते का नाम तो होता ही है ना, हर प्रेम के रिश्ते का नाम होता है। तो राधा और कृष्ण के प्रेम जो है, इस प्रेम के रिश्ते का नाम क्या है? क्या है राधा का कृष्ण से रिश्ता? भैया बताओ, हाँ आप बताओ, भैया बताओ, पीछे वाले, राधा और कृष्ण का क्या रिश्ता है? इस तरफ वाले भक्त बताएंगे। इतना लेट, इस तरफ वाले भक्त बताएंगे राधा और कृष्ण के प्रेम क्या रिश्ता है दोनों का। हाँ पीछे वाले, हाँ अरे भाई देखो, इतनी सी बात नहीं पता। हर मंदिर में जाते हो, दर्शन दोनों का करते हो, बताओ आज आपसे रिश्ता पूछा गया तो इतना लेट। राधा और कृष्ण सदा से पति पत्नी हैं। राधा और कृष्ण कौन है? सदा से, सदा से। और राधा कौन है बताओ? राधा कौन है? जोर से, जोर से। लक्ष्मी। और कृष्ण कौन है? नारायण। तो लक्ष्मी और नारायण तो सदा से ही लक्ष्मी नारायण पति पत्नी है। और राधा जी और कृष्ण जी का विवाह हुआ भी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हुआ। भाई साहब हुआ है, भांडीर भट्ट में गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिख रहे हैं। तो राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है कि नहीं? कहां हुआ है, किसने कराया है? ब्रह्मा जी ने। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता का 16वां अध्याय पढ़िएगा, मिल जाएगा। तो गर्ग संहिता को पढ़ा करिए, शास्त्रों को समझा करिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा करिए। तो राधा और कृष्ण, कुछ लोग कहते हैं ये केवल प्रियतमा है कृष्ण की, ना पत्नी है। राधा कृष्ण का 100 वर्षों का वियोग हुआ था, वो केवल श्राप के कारण। तो भगवान की दिव्य बाल लीलाएं मनमोहक हैं। एक दिन मैया ने कन्हैया को देखा कि माटी खा रहे हैं। मैया ने कहा चौरे लाल तेने माटी खाई ना, मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला भगवान, इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड का दर्शन कराया भगवान ने, इतने से। अच्छा भगवान ने इतने से मुंह में इतना बड़ा ब्रह्मांड क्यों दिखाया? ताकि भगवान ये बता सकें, क्योंकि भगवान ने अभी माखन चोरी लीला की है, लोगों को ये संदेह हो गया होगा कि ये कृष्ण कैसे भगवान है, भाई भगवान होते तो ये चोरी थोड़ी करते। भगवान बता रहे हैं कि हम तो लीला करने आए हैं और ब्रह्मांड का दर्शन करा के लोगों को बता रहे हैं कि भाई तुम संदेह मत करना हमारी भगवत्ता पर, भगवान की भगवत्ता पर आपको कोई संदेह
नहीं करना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब भगवान बड़े प्रेम से अपनी दिव्य लीलाएं करने लग गए। माटी खाए, मुंह खोलकर दिखाया, कुछ नहीं दिखा मां को ब्रह्मांड, ये भगवान। कुछ लोग कहते हैं, अभी कल ही प्रश्नोत्तरी में मेरे से मैया बोली कि महाराज जी, हमारे परिवार के लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य हैं। अब कुछ लोग ना, आज हमारे देश में कुछ नास्तिक परंपराएं चलती हैं, कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, कहते हैं कि कृष्ण भगवान थोड़ी हैं, वो तो मनुष्य हैं। तो उनसे सवाल किया करो आप कि यदि कृष्ण मनुष्य हैं, तो फिर किसी मनुष्य ने आज तक पहाड़ उठाकर दिखाया? यदि कृष्ण मनुष्य हैं, तो फिर तुम भी तो मनुष्य हो, फिर आज तक कोई दूसरा मनुष्य पहाड़ क्यों नहीं उठाया? मतलब कृष्ण मनुष्य के रूप में है, मनुष्य नहीं है। कृष्ण कौन है? मनुष्य के, हनुमान जी बंदर के रूप में है, बंदर नहीं है। गंगा नदी के रूप में है, नदी नहीं है। हा या ना, समझ में आ रही है ना बात? तो रूप में होना, भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में है, पर वो मनुष्य, वो भगवान है। अच्छा बताओ, यदि कृष्ण मनुष्य होते तो किसी मनुष्य के मुंह में ब्रह्मांड दिखता है? यदि मनुष्य होते तो जब 6 दिन के थे तो पूतना ने मारना चाहा, स्तनों में जहर भर कर लाई, तो 6 दिन का कोई बच्चा जहर पिएगा तो मर नहीं जाएगा? पर भगवान ने पूतना को मार दिया और बाल विवाह का नहीं हुआ, तो ये मनुष्य कर सकता है क्या भाई? कालकूट जहर को पचा सकता है मनुष्य? कृष्ण कौन है? बोलो, कृष्ण कौन है? कैसे सिद्ध होगा कृष्ण भगवान है? सिद्ध करो। मैया, ये मैया सिद्ध करेंगी सोफे में बैठी, कृष्ण भगवान है, सिद्ध करो। हाँ हाँ हाँ, भगवान की जितनी लीलाएं हैं, उन लीलाओं को आप जरा ध्यान से सुने और समझें, तो वो लीला किसी इंसान की नहीं है, वो भगवान ही कर सकते हैं। इशारा समझते हो? समझदार को इशारा? तो जो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं, मनुष्य हैं, थोड़ा उन्हें इशारा करो कि ये किस तरह से भगवान है भैया, तुम समझो जरा। भगवान काली अनाग पे कूद गए, काली अनाग के 101 फण थे, उसके ऊपर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, नाच रहे हैं। भागवत जी में लिखा है, जंगल में आग लगी, सारे ग्वाल वाल गैयों को जलाने लगी, भगवान ने अग्नि पी ली। आग कौन पीता है भाई? तुम पी लोगे? फिर भगवान जन्म लिया तो जेल के अंदर अपने आप ताला खुल गए। आज तो कितने कैदी जेल के अंदर हैं मनुष्य, एक के लिए भी ताला नहीं खुला। तो कृष्ण मनुष्य नहीं है, मनुष्य के रूप में कौन है? क्योंकि जो कृष्ण के काम है वो किसी मनुष्य के काम से मैच नहीं करते। हाँ या ना? उनकी लीलाएं किसी मनुष्य की लीला से मैच, इसलिए वो भगवान है। तो जो आपको बोला करे, थोड़ा आप भी उनको छाप दिया करो। पर आपके ये सब उत्तर पता होने चाहिए, तब ना छापोगे। इसलिए हम आपको कथाएं सुनाते हैं, सुना करो, समझाते रहते हैं आपको। राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी
माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया होगा कि कृष्ण पुत्र बनकर मिले? कहा, माँ यशोदा पिछले जन्म में कौन थी मेरी माँ? कौन? धरा। किस किस को ये कथा याद हो गई है? हमने बहुत बार सुनाई है, धरा थी। इनके पति का नाम था नंद बाबा, पिछले जन्म में थे द्रोण। द्रोण नंद बाबा द्रोण थे और यशोदा माता धरा थी, दोनों पति पत्नी पिछले जन्म में भी थे। और ये संतों की खूब सेवा करते थे। द्वार पर कोई आता था तो भूखा नहीं जाता था, यहां तक कि इनके पास कुछ नहीं बचा तो जंगल की लकड़ियां काट कर लाते और जंगल की लकड़ियां काट कर बेचते और जो पैसा मिलता सेवा करते। एक दिन संत आए, इनके घर में अन्न का दाना नहीं था तो बगल में सेठ जी के पास माता धरा पैसे उधार मांगने गई तो उसने कहा कि तुम अपने स्तन हमें दे दो तब हम तुम्हें पैसे देंगे। तो माता धरा बहुत सुंदर थी, उसके कहने का तात्पर्य यह था कि वो माता यशोदा से शरीर मांग रहा था, लेकिन माता धरा तो समझ गई उसकी भावनाओं को। कहा कि तू स्पष्ट बता तुझे क्या चाहिए। उसने स्तनों की ओर इशारा किया, मुझे ये स्तन चाहिए। माता धरा ने कहा ठीक है। अपने स्तनों को माता ने काट दिया चाकू से, काट कर उसे दे दिया कि तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये तू रख, मेरे द्वार पर संत आए हैं, भूखे हैं, थोड़ा मुझे पैसे दे दे। उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, धन दिया, बाजार से खरीदा सामान, संतों को भोग लगाया। और जब संतों ने देखा कि माता के शरीर से तो रक्त गिर रहा, माँ ये कैसा, पूरी कहानी बताई माँ ने कि अन्न का दाना नहीं था, आपके लिए मांगने गई तो सामने वाले ने कहा कि अपने स्तन दे दो, तो मैंने काट कर दे दिए। तो माँ परोस रही है संतों को भोजन। संत लोग प्रसाद पाकर बोले, माँ तुमने हम संतों की भूख मिटाने के लिए अपने शरीर के अंग को काट दिया, इतना दर्द सहा, इतनी पीड़ा सही, पर संतों को भूखा जाने नहीं दिया। वो संत के रूप में भगवान ही आए थे, प्रकट हो गए भगवान। माँ ये ममता संतों के प्रति जो तुम्हारी है, ये प्रेम जो है, सेवा का भाव है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बनकर आएंगे और आपका दूध पीकर आपके इस जन्म में दिए गए दान का, किए गए पुण्य का तुम्हें हिसाब चुकाएंगे। वही माँ यशोदा का पुण्य, माँ यशोदा के पुण्य के कारण उनको कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। जिसका बेटा जितना अच्छा है, मतलब वो व्यक्ति उतना पुण्यात्मा है। जिसका बेटा जितना बुरा है, उसका पाप ही बेटे के रूप में आया है जो तुम्हें सता रहा है। पुण्य ही तुम्हारा भले बेटे के रूप में आया जो तुम्हें खूब सुख दे रहा। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है तो तुम्हारा पुण्य तुम्हारी अच्छी पत्नी के रूप में मिली जो तुम्हें बहुत अच्छे से रखती है, बहुत अच्छा ख्याल रखती है, हर कर्तव्य ठीक ठीक निभाती है। और तुम्हारा पाप होगा तो तुम्हें ऐसी पत्नी मिल जाएगी कि खून के आंसू रुला देगी। तो हर रिश्ते पुण्य और पाप, मूल में पाप और पुण्य है साहब। अच्छी पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छा परिवार, अच्छा यश, अच्छी कीर्ति, ये सब अच्छे पुण्य पर निर्भर करता है। बिना पुण्य के कुछ नहीं है। आप वृंदावन में यहां बैठे हैं तो ये भी आपके जीवन में किए गए पुण्यों ने आपको वृंदावन तक पहुंचाया। अब यहां जो पुण्य कर रहे हैं ये और प्लस हो जाएंगे और बढ़ जाएंगे। बिना पुण्य के ये धाम नहीं मिलता, बिना पुण्य के ये कथा नहीं मिलती, बिना पुण्य के मन भगवान में नहीं लग। लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लग रहा है, अभी तुम्हारे पुण्य नहीं जागे। भगवान में मन भी तब लगता है जब भगवान की कृपा होती है। आप लोगों पर, हम लोगों पर बड़ी कृपा है ईश्वर की कि उन्होंने अपनी सेवा से हमें जोड़ रखा है। ये सेवा दे रहे हैं कि हम कथा सुना पाए, आप कथा सुन पाए। सवेरे से शाम तक सेवाएं करने का मौका भगवान दे रहे हैं, ये उनकी कृपा से तो मिल रहा है। ये कोई हमारा पुरुषार्थ पुण्य नहीं है, कृपा है। सब कुछ पूरा
लिखित में सब है मेरी माँ। अब आप लोग ना पाप पुण्य को समझते नहीं है, इसलिए कहता हूं पाप ना करना, भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह को बाणों की सैया क्यों मिल गई, क्यों मिली? पिछले जन्म में सांप को कांटों के ढेर में फेंका था पितामह ने। सांप को कांटों के ढेर में फेंका, सैकड़ों कांटे सांप को चुभ गए, बेचारा तड़प कर मर गया। पिछले किसी जन्म में उनसे ये पाप हुआ था, इस जन्म में बाणों की सैया पर लेटकर उस पाप का हिसाब चुकाना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है बच जाओगे? तुम्हारे बाप दादे ना बच पाए, तुम बचोगे? सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरी माँ, बचना, हर पाप से बचना, क्योंकि लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, जिसने आपको बनाया है वो पूरा रिकॉर्ड भी तो रखता होगा ना कि आप किस समय क्या कर रहे हैं। भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते ना आप। आपको लगता है कि हम पाप कर रहे हैं, क्या कर लेगा कोई, कौन है देखने वाला? हाँ, बड़े बड़े पैसे वालों की हवा निकल गई, बड़े बड़े पाप कर्म करने वालों का खात्मा हो गया। ईश्वर जब दंड देता है ना, नानी याद आती है, इसलिए बच के रहना रे बाबा। मैया दौड़ा दौड़ा के मारते हैं फिर नरक में यमदूत। अट्ठाईस नरक हैं, मैया कहां चली? डर के मारे, देखो मैया अच्छे काम करने चली। अच्छी काम करना मेरी माँ, वैसे मैया अच्छी काम करती है। झूठ बोलना पाप है नदी किनारे। तो हमारे जीवन में जो भी मिल रहा है वो हमारे ही अपने कर्मों का फल। तो यशोदा माँ ने पिछले जन्म में क्या किया था? जोर से सेवा। क्या की? सेवा। तो कौन मिला? भगवान। सेवा करने वाले को भगवान मिलते हैं। इसलिए यदास अनिरुद्ध कहता है आप लोगों से, आप भी हजारों संतों को गौरी गोपाल आश्रम में अन्न क्षेत्र बंटता है, आप भी सेवा से जुड़ो, आप भी अन्न क्षेत्र बंटवाओ संतों के लिए। पुण्य किया मां यशोदा ने, कृष्ण पुत्र रूप में प्राप्त हुए। एक दिन मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक दिन मैया दही कन्हैया पालने पे सो रहे थे, जाग गए, उठकर आए। मैया मैया कन्हैया क्या हुआ? मैया दूध पीना है। मैया दही मंथन कर रही, कन्हैया ने साड़ी पकड़ी, माँ माँ दूध पीना, मैया दूध पिलाना, दूध पिला दे। मैया बोली तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूँ, अभी खिलाती हूँ। ना मोको मक्खन ना है खानो, मैया मोको दूध पीनो है। अब मैया की साड़ी, मैया ने फिर भी नहीं मानी, मैया तो दही मंथती गई। तो भगवान ने मथानी पकड़ ली, और मथानी पकड़ ली तो मैया कैसे चलाएगी? मथानी चलाएगी तो उंगलियां ऐसे मरोड़ खा जाएंगी। मैया ने मथानी रख दी। अच्छा दूध पीना है, हाँ। बैठ गई मैया वहीं और अपना दूध, माँ ने अपना दूध कन्हैया को गोद में लिटाया और अपना दूध माँ को, माँ यशोदा ने कन्हैया के मुंह में पयो धर दिया। अब मैया यशोदा बैठी हैं कन्हैया को देख रही, और कन्हैया दूध पी रहे हैं, मैया यशोदा का दूध पी रहे हैं, और माँ बड़े प्रेम से लाला को देख, कन्हैया भी माँ यशोदा के माथे की बिंदियां निकालते हैं, कहीं अपने माथे पे लगा। छोटे छोटे बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं ना, तो वो दूध पीते पीते ऐसी काम करते हैं, कहीं माँ के झुमका नोचेंगे तो कहीं माँ की बिंदी निकालेंगे तो कहीं माँ की नाक में हाथ डाल दे, उंगली डाल देंगे।
तो कहीं माँ के मुंह में उंगलियां डालेंगे। ये हर बच्चे का स्वभाव होता है। हम भी बच्चे थे ऐसे ही करते थे, आप भी बच्चे थे तो आप भी ऐसे ही किए हैं। ये सब कुछ ऐसे ही करते हैं सब लोग, हाँ या ना? ये बात है, ऐसा करते ना बच्चे। दूध पीने बैठेंगे तो वो माँ की बिंदिया पहले निकालेंगे, अपने लगा लेंगे, कहीं यहां से निकाल के नाक में लगा देंगे माँ की, कहीं गाल में लगा देंगे माँ की, करते ना ये बच्चे। ऐसे भगवान कर रहे हैं, माँ की बिंदिया निकाल के कहीं अपने में लगा लेते हैं, फिर मैया निकाल के लाला चुपचाप दूध पी, तो निकाल के उसी की नाक में लगा देते हैं मैया की। तो कहीं स्तनों को छोड़ के छोटे छोटे दांत हैं, ही कर हंसने लगते हैं, हंसते हैं फिर जाके फिर पीने लगते हैं दूध। अभी भगवान मैया का दूध पी ही रहे थे, देखो जरा भगवान जब मान देते हैं ना, देखो हमारी कोई औकात नहीं होती, हमारी कोई हैसियत नहीं होती, वो तो भगवान हमें मान देने के लिए। हनुमान जी क्या थे, लेकिन हनुमान जी का सम्मान बढ़ाने के लिए भगवान ने हनुमान जी को आगे कर दिया, जाओ तुम सीता का पता लगा के आओ। अंगूठी हनुमान जी को दी, किसी और बंदर को दे दी होती अंगूठी तो कोई और बंदर जाता। मतलब भगवान, ना तो हनुमान जी में कोई बल है, ना तो आप में और हम में कोई बल है, भगवान जिसे बलशाली बना देते हैं वो बलशाली हो जाता है। ना तो आप ज्ञानी है ना तो हम ज्ञानी है, भगवान जिसे ज्ञानी बना दे वो ज्ञानी। ज्ञानी मूढ़ ना कोए, जे ही क्षण जस रघुपति करे, भगवान जिस क्षण जिसे जैसा बनाना चाहे बन जाए। तो भगवान का धन्यवाद दो इस बात का कि प्रभु आपने हमें ये सेवा का मौका दिया, ये कार्य, मानव का शरीर दिया। मैया कितनी भाग्यशाली, सारी दुनिया का पेट भगवान भरते हैं, पर धन्य है मैया यशोदा, आज जगत के पालनहार को आज अपना दूध पिलाकर उसका पेट भर रही है। मैया मैया दूध पिला के पेट भर रही है, यशोदा मैया कन्हैया दूध पी रहे हैं। तभी चूल्हे पर दूध चढ़ा, अब मैया ने देखा अरे चूल्हे का दूध उफनने लगा, तुरंत मैया ने कन्हैया को नीचे उतारा और दौड़ कर गई चूल्हे का। अब कन्हैया को गुस्सा आया, अच्छा मैया ने मुझे छोड़ दिया दूध के लिए, बड़ा प्यार करती है ये दूध दही से, सारी मटकियां भगवान ने तोड़ डाली। जिस मैया जिस अभी दही मंथन कर ही रही थी तो इतना बड़ा मटका था, तो इतने बड़े बड़े मटके, मरका बोलते मरका, इतने बड़े बड़े मटके भगवान ने तोड़ दिया। मैया ने मुझे छोड़ दिया दूध के लिए, दूसरा मटका, ये सास मैया बोला करती है मेरे सास के हाथ का मटका है, ये मेरी आजी सास के हाथ का, ये मेरी मौसी सास, ये बुआ सास, पहले के लोगों की संपत्ति यही मटका मटकी तो हुआ करती थी, पुराने से पुराना मटका, पहले लोगों के घर में ज्यादा क्या था, अधिकांश यही सब चीजें थी, है ना। मैया के सारे मटके मैया के, यशोदा मैया के कन्हैया ने तोड़ दिए। अब चट चट की मैया ने आवाज सुनी तो दूध उतार के रखे, बाहर आके देखी तो पूरा मैदान दूध से भरा पड़ा, दूध के मटका, दही के मटका, मक्खन के मटका, सारे मटके तोड़ दिए भगवान, और भगवान डर के मारे छिप गए कहीं। अब मैया बोली राम 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 राम, सारे मटके तोड़ दे। मैया को गुस्सा आया, आज दारी के तोकू पकड़ के रहूंगी, बड़ो बिगड़ गयो है लाला। एक छड़ी उठाई मैया ने, अब सोचिए मैया यशोदा छड़ी किसके लिए उठा रही है, हाँ बोलो, हाँ उनके लिए जिनकी नजर घूम जाए तो ब्रह्मा थर थर कांप जाते हैं, जिनकी नजर घूम जाए तो इंद्र पानी पानी हो जाते हैं, जिनकी एक दृष्टि से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वो भगवान आज बोल रहे हैं मुझे मैया से डर लग रहा है, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो। ये देखिए कैसी लीला रच रहे हैं भगवान, कैसी दिव्य लीला रच रहे हैं प्रभु, जिनकी एक प्राण हो जाता है और सृष्टि का संहार हो जाता है, वो भगवान भाग रहे, मैया मत मारियो, आगे आगे कन्हैया पीछे। मैया बोली आज तो कू पकड़ के ही रहूंगी, पकड़ के ही रहूंगी,
अब भगवान भाग रहे हैं, मैया मत मारियो, मैया मत मारियो, आंसू बहा रहे हैं भगवान, आंसू। क्या बताएं साहब, भगवान की लीला, खग जाने खगी की। तो ये बड़ी अद्भुत लीला है भगवान की। भगवान की लीला कौन जान सकता है? भगवान की लीला वही जान सकता है जो दिव्य भक्त है। दिव्य भक्त वही है जो मां यशोदा की श्रेणी का है। क्या श्रेणी है मां यशोदा की? मैया पकड़ने दौड़ रही है कन्हैया को, कन्हैया। अब सोचिए कि जो भगवान दो पग में राजा बलि के द्वार पर सब कुछ नाप लेते हैं, दो पग में वो भागेंगे तो मैया पकड़ पाएगी? पर मैया पकड़ने के लिए जब भागी तो भगवान कहते हैं कि जब भक्त मुझे पकड़ने के लिए भागता है, मैया हारी नहीं, पकड़ के रहूंगी। जब इस संकल्प से भक्त चलता है कि मैं भगवान को पाकर रहूंगा, तो भगवान खुद कृपा करके पकड़ में आते हैं। उन्हें वैसे कोई पकड़ नहीं सकता, पर भक्त ये संकल्प ले ले कि पकड़ के रहूंगा, तो भक्त के आगे भगवान हार जाते हैं। भगवान रावण से नहीं हारते, रावण जैसा बलशाली रावण से नहीं हारते, पर भगवान गोपियों से हार जाते हैं, भक्त से हार जाते हैं। भगवान किससे हार गए? भक्तों से। भगवान हार जाते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान वश में है भक्तों के। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भक्त का मान टले न टले, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के मक्खन पर सौ सौ बार मचलते देखा। वाह। जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक ना संभालते देखा, जिनका ध्यान विरंच शंभु सनकादिक ना संभालते देखा, उसको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, वो ग्वाल वालों के संग गेंद खेल रहे हैं। अच्छा, गेंद का खेल भारतीय खेल है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं क्रिकेट इंग्लैंड का खेल है, विदेशी खेल है। भैया अब हमारा तो धन भी चुरा के ले गए इंग्लैंड वाले, तो क्या उनके बाप का हो गया? ये तो सब भारत की प्रॉपर्टी थी, ये क्रिकेट तो हमारे श्री कृष्ण खेला करते थे। गेंद का खेल काली देह पर खेला ना हो रही मेरे बारो सो कन्हैया, यहां से सब ले गए। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उसको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा। देखिए, जिनकी एक भ्रकुटी से सागर उबलने लग जाता है, वो भाग रहे, मैया मैया मत पकड़ियो। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। है ना, ये लीला है भगवान।
मैया यशोदा ने कृपा भगवान ने की तो बांध दिया। जब बांधा तो दो अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया यशोदा ने बांधा तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? मैया ओ पंचायती मैया कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? चार। ये मैया कह रही है चार, जब हम दो कह रहे थे तो पंचायत कर रही थी मैया तो दो अपने से जोड़ दिया कितने अंगुल रस्सी? ये दो का मतलब क्या? भगवान को यशोदा मैया जब उखल से बांधने चली, पकड़ लिया तो रस्सी दो अंगुल बार बार छोटी, फिर रस्सी जोड़े, फिर दो अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, गांठ लगे ही ना, दो अंगुल रस्सी कम। ये दो अंगुल क्या है? भगवान को वही बांध सकता है जिसके अंदर अभिमान और मोह नष्ट हो गया हो। समाप्त। अभिमान, अभिमान यदि है तो भगवान को आप कैसे बांधोगे? आपके अंदर अभिमान है तो अभिमानी से भगवान बंधते नहीं है मेरी माँ। अभिमानियों से भगवान बंधते, भगवान को प्रेम के बंधन में बांधना है तो अभिमान त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा मेरी माँ? जोर से, जोर से, अभिमान। आप में से किस किस के अंदर अभिमान है? आज किसी के पास जरा सा पैसा आ जाए, जरा पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, वो अभिमानी हो जाता है। वो अभिमानी हो जाता है। आज किसी के पास पैसा आ जाए ना मेरी माँ, वो अभिमानी हो जाता है। लोग कहते हैं ये बेटा मेरा है, ये भी अभिमान है। तुम्हारा बेटा नहीं है, भगवान का है। तुम क्यों कह रहे हो कि मेरा है? तुम्हें तो ईश्वर ने केवल जिम्मेदारी दी है, पाल पोस के बड़ा करो, तुम्हारा नहीं है वो। बताइए कोई भी बेटा आपका है? क्या है तुम्हारा उसमें? क्या है? क्या तुमने उसकी आंखें बनाई? क्या तुमने उसके कान बनाए? क्या तुमने उसका पेट बनाया? क्या तुमने पांव बनाए? क्या बनाया तुमने? क्या है तुम्हारा उसमें? क्या तुमने बनाया बताओ? बेटे के हाथ पांव तुमने बनाए? आंख कान मुंह पेट पीठ तुमने बनाई? बोलो मेरी मां, किसने बनाई तुम्हारे बेटे के हाथ पांव? किसने बनाए? जिसने बनाया है वो बेटा उसी का है। तुमने तो केवल अपना एक प्रोसेस पूरा किया था, उसके बदले तुम्हें शारीरिक सुख भी मिल चुका था। उसके बदले एक पिता और एक माँ का जब तेज और रज मिलता है तो उस पानी की बूंदों से बच्चे का निर्माण होता है, और वो निर्माण ना तो माँ करती है ना तो बाप करता है। वो तो एक माँ के पेट में एक जगह है जिस जगह पर ईश्वर बैठ करके वहां सारा निर्माण का कार्य पूरा करते हैं, और वहीं बैठकर आपका ये सुंदर शरीर तैयार हुआ। तो जिसने आपको ये शरीर दिया, आपके असली माँ बाप भगवान है। इसलिए उस प्रभु को ना भूलिए जिसने देखने को आंखें दी, सुनने को कान दिया। आपका हार है ना मैया गले का? है आपके पास हार? है? पूछ रहे हैं हाँ या ना। है? किसने दिया था हार सोने वाला? किसने दिया था आपका हार? किसने दिया आपको? कंजूस मैया, देने वाले का नाम ही भूल गई मैया। पति ने दिया? काहे नहीं बोल रही हो खुल के? पति का नाम लेने में दिया पत्नी? पति ने बता नहीं रही है। पति ने हार दिया मैया आपको? हार किसने दिया? पति ने दिलाया है? रानी हार दिलाया है? हाँ, याद है ना आपको? अंगूठी किसने दी आपको? जिसने अंगूठी दी उसे हम याद रखते हैं,
जिसने हार दिया उसे हम याद रखते हैं, लेकिन जिसने अंगूठी पहनने को उंगली दी और गला दिया हार पहनने को, उस परमात्मा को भूल जाते हैं। ये बड़ी विडंबना। अभिमान ये मत करो कि ये बेटा मेरा, ये परिवार ये मेरा, सब भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु बोलो हे नाथ सब कुछ आपका, हे प्रभु हम आपके, परिवार आपका, व्यापार आपका, एक आप हैं जो मेरे हैं, सब कुछ आपका। सब कुछ भगवान को देकर आप स्वतंत्र क्यों नहीं हो जाते, क्यों चक्कर में पड़े हो? आपकी परेशानी की जड़ है कि आप सबके मालिक बने बैठे हो, मुखिया बने बैठे हो। अरे मुखिया भगवान को बनाओ ना, तुम्हारे मुखिया बनने से क्या लाभ है? हे प्रभु सब आपका सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ में। कहो छोटू सब किसे सौंप देंगे? भगवान को। हे प्रभु सब आपका। हम क्यों कहें कि ये बेटा हमारा, और वैसे हमारा है भी नहीं, हमारा क्या है उसमें? हम क्यों ये अधिकार जमाएं कि ये मेरा है, ये कहें ना कि परमात्मा का है? हमें तो केवल ईश्वर ने एक बेटे दो बेटे चार बेटों की बस जिम्मेदारी दे रखी है, सो हम पूरी कर रहे हैं। काम दिया है भगवान ने हमें, छोटा सा काम करो, नौकर बन के रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करना। हम सब भगवान के नौकर हैं, हम सब भगवान के दाता एक राम, भिखारी सारी राम, एक देवता पुजारी सारी। अभिमान, बड़े बड़े आज किसी को पैसा आ जाए ना, लोग ऐसे ऐसे चलते हैं छाती फुला कर। अरे अच्छे से चलो, इतना अभिमान इतना घमंड नहीं। मेरी माँ राज राज रहे ना बुरानी रही, राज राज रहे ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। वस्तु हर एक वानी वजानी रही, वस्तु हर एक वानी वजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। ताजी भोजन बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। इसलिए घमंड किसका, कौन है आप, क्या हैसियत है हमारी और आपकी? घमंड ना साहब, जो है भगवान का। मेरा कुछ नहीं, मैं कौन हूं? मैं भविष्य की राख हूं, राख। आप भविष्य में क्या बन जाओगे? चिता पर जलोगे तो क्या रह जाएगी? राख। 50 रुपया के घड़े में समा जाएगी तुम्हारी पूरी राख। आज बड़े बड़े महल बड़े बड़े बंगलों का जो घमंड है, याद रखना सबका घमंड टूटा है। एक दिन 50 रुपए के घड़े में समा जाऊंगा मैं पूरा का पूरा, तब क्या कहोगे मेरा ये मेरा वो? लोग बोलेंगे अस्थियां जा रही हैं। तो आप में से कितने लोग 2099 आते आते हम सब राख बन चुके होंगे, कितने लोग बन चुके होंगे? मैया आप नहीं बनोगी मेरी माँ,
नहीं महाराज, हम तो 2099 के बाद भी रहेंगे। अब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो 2099 तक रहेंगे, देखेंगे, और ये रहें भी अच्छा भी है। पर आज जो अपन 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के, अब अपने को 2099 थोड़ी मिलेगा, 1999 मिला अपने को। अपने को क्या मिला? हाँ, हमें 1999 मिला, 98 भी मिला, 97 की भी याद है हमें, 99 की खूब याद है हमें। हम पांचवी पढ़ते थे उस समय, लगभग पांचवी छठवी कक्षा में लगभग, तो याद है हमें पांचवी छठवी सातवी उस समय था 99 के लगभग। तो हमें 1999 मिला, अब 2099 नहीं मिलेगा, और 2099 तक हम क्या बन चुके होंगे? जोर से राख। अब बताओ आप में से कितने लोग भविष्य की राख हैं? अब बताओ आप ना बनोगे भैया? एक काम करना, आज यहां से जाते ही एक 50 रुपया का घड़ा खरीदना और द्वार पर लटका देना, आते जाते घड़े का दर्शन करना, जय हो घड़ा महाराज की। लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? नहीं, पागल नहीं हो गए, अक्कल आ गई है। बोले घड़े को क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले आखिरी में इस घड़े में ही समाना है, इसलिए अभी से देखो भैया, घड़े को देखते रहो कि एक दिन अपने को समाना इसी में है, तो घमंड किसका? बड़ी बड़ी बातें क्यों? इसलिए ज्यादा घमंड दे। मैया चली घड़ा खरीदने, तो घड़ा लेके टांग लेना अपने। अच्छा, घड़ा टांग लोगे और देखोगे तो अभिमान नहीं आएगा, अभिमान। इसलिए जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। इसलिए जिंदगी एक सफर है, इसे सुहाना बनाओ और क्या करो, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही। तो जिंदगी कैसी हो, रोते रोते के हंसते हंसते। तो जब एक दिन राख बनना है तो घमंड किस बात का, इसलिए सामान्य जीवन जियो और बिंदास एक दूसरे के काम आओ, हंसो मुस्कुराओ गाओ खूब प्रसन्न रहो। ज्यादा जिंदगी इतनी भी परेशान नहीं है जितना आपने बना रखा है, जिंदगी इतनी भी कष्टदायी नहीं है, इतनी भी परेशानियां नहीं है जीवन में जितना आप परेशान हो। बिंदास रहो, मुस्कुराओ, याद रखो कि मरना है, जीवन है, आनंद लो, अच्छे काम कर लो। अनिरुद्धाचार्य मर जाएगा, लेकिन मैं मरूंगा तो मुझे बड़ा संतोष रहेगा, भगवान पूछेंगे क्या किया है तुमने, मैं बता पाऊंगा कि प्रभु आपने मनुष्य शरीर दिया, मैंने उस शरीर का दुरुपयोग नहीं किया, इस शरीर से मानव जाति की जितनी सेवा बन पड़ी सो करी है, सेवा की होगी भगवान से कहते हुए कि मैंने सेवा की है, मैंने अपने, ना तो मैंने पैसे का दुरुपयोग किया, ना मैंने शराब पी, ना गांजा पिया, ना मैं मांस खाया, मैंने पैसे का दुरुपयोग, मैंने समय का दुरुपयोग भी नहीं किया, समय मिलता था 3 घंटे आपकी कथा सुनाता था, अच्छे काम कर, लोगों को सही राह बताने की कोशिश करता था, ना तो धन का दुरुपयोग किया, ना तो समय का दुरुपयोग किया, और ना तो शरीर का, मैं अपने इन हाथों से माताओं के पांव दबाता हूं, है ना, ये हाथ किसी का गला दबाने के लिए नहीं है, ये तो अपने माता पिता वृद्ध जनों की चरण सेवा करने, तो मैं करता हूं। इन हाथों से मैं सवेरे सवेरे हजारों संतों को रोटी देने का प्रयास करता हूं, आप भी इन हाथों से रोज सवेरे सवेरे संतों को रोटी दो, अन्य क्षेत्र बंटवाओ, सेवा करवाओ, कर लो सेवा,
काम आएगी मेरी माँ। यमराज जी तो आपसे भी पूछेंगे ना, कैसी रही यात्रा, क्या करके आए हो, चलो हिसाब दो। हिसाब तो देना पड़ेगा ना मेरी माँ। तो हम तो अपना हिसाब बिल्कुल पक्का कर रहे हैं, मांगेंगे तो दे देंगे। आप दे पाओगी मेरी माँ? देना, कहीं ये हिसाब ना दे देना कि मैं जिठानी के बच्चों से नफरत करती रही, मैं देवरानी के बच्चों से नफरत करती रही, मैंने सास को घर से निकाल दिया। ये हिसाब दोगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे यमराज। हाँ मैया, समझ रही हो ना? हाँ अच्छी करनी कर लो री मैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का सबका खाता है, इसलिए अच्छे कर्म। मैया राम राम, कर्मों का हिसाब किताब हो रहा चाबी है, क्या किया तुमने क्या किया हमने, कर लो आज जाना, एक डायरी बनाना आप लोग और सारे अच्छे बुरे कर्म लिखना, मैंने कितने कर्म अच्छे बुरे किए, यहीं देख लेना, गणित कुछ निकल के आएगी। हाँ और बचना रे बाबा, हे प्रभु क्षमा करो मेरे अपराधों को, अब नहीं अब नहीं, तब करी तो करी, तब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दोहाई। तो अब से अच्छे काम, इसलिए आपसे हम बार बार कहते हैं गौरी गोपाल आश्रम, गौरी गोपाल की सेवाएं, जब इन सेवाओं से आप जुड़ेंगे तो विश्वास दिलाता हूं आप हर पाप से बच जाएंगे, क्योंकि ये सेवाएं आपके पुण्य को बढ़ाने वाली हैं। गौरी गोपाल आश्रम में चाहे संतों की सेवा हो, माताओं की सेवा हो, रसोई की सेवा हो, विद्यार्थियों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो, कोई भी सेवा आप देखो, चिकित्सा की सेवा हो, प्रत्येक सेवा से जब आप अपने आप को जोड़ते हैं तो आपका पुण्य बढ़ता है। इसलिए हजारों संत भोजन करने आते हैं, आप भी भोजन दो, एक दिन की रसोई आप भी बंटवाओ अपनी ओर से, पुण्य से जुड़ो। गौरी गोपाल आश्रम में कितने लोगों ने आपने संतों का दर्शन किया कि रोज सवेरे संत आते हैं ना, आपने रोज देखा होगा, रोज दर्शन होता, हजारों संत आते हैं भोजन लेते हैं। आप भी एक दिन का भोजन बंटवाओ बेटी के जन्मदिन पर, बेटे के जन्मदिन पर, ये हजारों संत रोज आते हैं, ये रोज की सेवा है। आप खुद देखिएगा, आप खुद अपने आप को उत्तर दीजिएगा, तो आप भी रसोई सेवा से जुड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं, वृद्ध माएं रहती हैं, वो माएं जिनका कोई सहारा नहीं, ऐसी माओ का यहां गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध बेटा बनकर उन माओ की सेवा करता है। सेवा सबसे बड़ा धर्म है मेरी माँ, इसलिए हम करते। आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ग्वालियर से। ग्वालियर से कौन कौन है मैया जी आपके घर में? दो बेटा दो बेटी। बेटी दो और बेटा भी दो। मैया यहाँ हमारी बरसों से रह रही हैं और यहाँ हमारी ये माँ हमें खूब प्यार करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। मैया देखो, मैं तो इस बात को मानता हूं कि भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की कि मुझे हजारों माओं की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मैं तो चाहता हूं कि इनके बच्चे भी सेवा करते, तो ये माँ नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी है, ये साक्षात भगवान है। इन माओं का जो आशीर्वाद है ना, इन माओं की जो दुआ है ना, दुआएं वो कभी खाली नहीं जाती। पता नहीं बच्चों ने क्यों नहीं सेवा की, अपने घर से क्यों हीरे को निकाल दिया, क्यों लक्ष्मी को ठुकरा दिया, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये माँ भगवान के रूप में प्राप्त हुई है। मैया बेटा आपके दो हैं फिर भी सेवा नहीं करते, क्यों? वो बहू नहीं कर दी, यो कह रही तुम रहूंगी तो हम नहीं रहेंगे जहाँ। अच्छा। हाँ, यो कह रही की जहर खा लो एक दफे सो मत संभी। बहू नहीं रहने देती आपको? नहीं रहने देती, सब जने ताशते हैं बहुत बहुत। तो चलो बहू नहीं रहने देती तो बेटा कुछ बोलता? बेटा नहीं नहीं बोलता, बस सब जने एक हो जाते हैं, नाती भी है।
अच्छा नाती भी है, नाती भी है, पोता बेटे का बेटा, बेटा का बेटा। उससे थोड़ा चलाता है तो वो मतलब बहू नहीं मानती, बहू कह रही है इसको निकालो यहाँ से, हमारा लड़की से। तो दूसरा बेटा वो, वो तो बात ही नहीं करता, बोले ना उसकी बहू ग्वालियर रहता है, मतलब भाई दोनों बेटे मतलब सेवा नहीं करना चाहते। तो ये बताइए बेटे सेवा नहीं करना चाहते, गौरी गोपाल आश्रम में आपकी सेवा कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है जी महाराज, तुमने हमें जवा लो, हम तो ऐसे आए थे कि जब हमें कुछ भी नहीं था, आप मेरे लिए भगवान हो। नहीं मैया, हम तो आपके बेटे हैं, भगवान तो आप हो हमारी भगवान, हम तो आपके दास हैं, हम तो केवल अपने इंसानियत का फर्ज पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा हो रही है, ऐसी सेवा तो कहीं देख ही नहीं है, और आश्रम में जाके देख लिया है, कुछ नहीं है उनका, यहाँ तो सब चीज की बहुत सुविधा है, दवाई, मेरी तबीयत खराब होती है ले जाते हैं अस्पताल, बहुत कुछ अच्छा महाराज। मैं बड़ाई इतनी कर सकती हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। गौरी गोपाल आश्रम में इन माओं की सेवा होती है। मैया आप यहाँ रहती हो, आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने सेवा? हम पे कहाँ रखे पैसे, पैसे होते तो भेज रखते, पैसे नहीं हमारे पास, हमारा पति। यहाँ जितनी माताएं, लगभग 275 माताएं वर्तमान में हैं, आप में से कितने लोगों ने वृद्ध माओं का दर्शन किया है? नहीं किया है तो आश्रम में दर्शन कीजिए, सामने भी माताएं रहती हैं, यहाँ भी माताएं रहती हैं, तो आप लोग दर्शन कीजिएगा। इन माओ से एक भी रुपए नहीं लिया जाता, क्योंकि आप जैसे बेटा बेटियां हैं अभी जिंदा जो इन माओ के लिए सहयोग करते हैं, इसलिए इन माओ से इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, आधा घंटा ज्यादा काम करना ये सोचकर कि आपकी माँ गौरी गोपाल आश्रम में रहती है। पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। भगवान ने नलकूवर मणिग्रीव का उद्धार किया, सुखी अमा पर कृपा की अघासुर पर भगवान ने कृपा की, ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने भंग किया, धैनुकासुर का उद्धार कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की, गोपियों ने सुंदर सा वेणु गीत गाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं विप्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां भगवान ने कृपा की, चीर गोपियों का वस्त्र चुराया, बाद में लौटाए भगवान ने कि निर्वस्त्र होके नहाने की कहीं परंपरा ना स्टार्ट हो जाए, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, और मैया ने इंद्र की पूजा की, भगवान ने कहा इंद्र की नहीं गिरिराज जी का पूजन करो, तो 56 भोग लेकर गिरिराज जी की तलहटी पर गए, मानसी गंगा से स्नान कराया, गिरिराज जी को 56 भोग लगाया, परिक्रमा की पूजा करी, हम भी भाव बनाए कि भगवान की पूजा कर रहे हैं, बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। गिरिराज जी का पूजन मैया यशोदा ने किया, नंद बाबा ने किया, भगवान ने भोग लगाया, पूजा करके जब घर आए, इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, सारे ब्रजवासी शरण में गए रक्षा करो, तब भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण कर लिया, बोलिए गिरिराज धारण भगवान की जय। भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया है, सारे ग्वाल वाल तलहटी पर आए, खूब टुकुर टुकुर ठाकुर जी का दर्शन हुआ है, खूब सेवा लोगों ने की, इंद्र ने खूब पानी बरसाया, बाल भी बांका ना हुआ उस पानी से, तब इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ, इंद्र गौ माता को लेकर आए, भगवान को अभिषेक कराया भगवान का, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित कर दिया, इंद्र परिक्रमा लगाकर भगवान को पूजा करके इंद्र अपने स्वर्ग चले गए, भगवान ने गिरिराज जी को स्थापित किया, मैया यशोदा 56 भोग लगा रही हैं, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, हलवा पूरी खाओ मेरे मोहन, छप्पन भोग लगाओ मेरे मोहन, हलवा पूरी खाओ मेरे मोहन, छप्पन भोग लगाओ मेरे मोहन। भगवान ने गिरिराज जी की स्थापना की, भगवान ने गिरिराज जी को प्रणाम किया, मैया यशोदा ने लाला को ले जाकर बड़ा श्रृंगार किया, मैया यशोदा कन्हैया की सेवा की, 56 भोग लगाया, बड़ा लाड़ प्यार लड़ा रही है मैया, अब भैया घर कन्हैया घर में है आनंद से, आइए हम बड़े भाव से अब भगवान का दर्शन करें, और फिर आरती का पावन दर्शन, आगे की कथा कल होली के साथ आनंद लेंगे, कल की कथा का हो दीवाना राधे का, हो मुरली वाला श्याम गुजरिया नचने रे, गोवर्धन के धाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का, जय हो
मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के दाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। जय हो हाँ राधे राधे, जपता है सबसे कहता है बैरी लगे राधा रानी, रस लीला करता है राधा संग नाचता है, दान करे मनमानी। हाँ राधे राधे, जपता है सबसे कहता है बैरी लगे राधा रानी, रस लीला करता है राधा संग नाचता है, दान करे मनमानी। बाल बाल संग हुए व्रजवासी, तंग हुए मगन हुए घनश्याम, दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। मुरली वाला श्याम गुजरिया नचले रे, गुजरिया नचले रे, गोवर्धन के नाम दीवाना राधे का, दीवाना राधे का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। हो दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैं गाँव में अगर हम, मैं गाँव में अगर हम रट जाए, मुश्किल है पीछे हट जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, गिरिराज धरण भगवान की जय हो। आइए आरती उतारते हैं। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। हरि ओम। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो वजायत श्रोत्रादमायश्च प्राणस्य मुखादग्ने रजायत। मन में बसा कर, बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर, मैं गिरधर तेरी आरती, आरती। हो 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 आ, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तो
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास वनी रुद्ध तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर बोल गौरंग नामदारम संसार सारम मद्गंधहारम सदा वसंतम हरियाणम मंदार माला मंगल गाए कपाल माला जिनसे घराया देख पराए जगिन पराया नम शिवाय जन्म शिवाय तुम्हें वो माता सुविधा तुम्हें वो तुम्हें वो बंधो जिसका तुम्हें वो तुम्हें वो विद्या द्रवण तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वम देव गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्णनामोदरं वासुदेवं हरि सीतारं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आया घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आया अजन दिलाल तरस रहे नैना अज गोपाल तरस रहे हाँ तरस रहे नैना बरस 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 रहे गोपाल तरस रहे नैना अज गोपाल कृष्ण रहे अजन दिलाल तरस रहे नैना अज गोपाल तरस रहे नैना अज गोपाल तरस रहे नैना